वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्यामि हरिं रुद्रं ब्रह्माणं च गणाधिपं देवीं सरस्वतीं चैव मनोवाक्कर्मभिः सदा। ॐ विष्णवे नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ हं हनुमतये नमः। ॐ
श्री परमात्मने नमः। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को जय हिंदू राष्ट्र, जय मां भारती। आज के चौथे दिन की श्रीमद् गरुड़ महापुराण की कथा सुनने के लिए आप हम सब एकत्रित हुए हैं। आप सभी जो लाइव के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं और यहाँ जो कोई कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को जय हिंदू राष्ट्र, जय मां भारती। सभी वैष्णवों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और आज के हम चौथे दिवस की यह श्रीमद् गरुड़ महापुराण की कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह गरुड़ महापुराण वैसे तो 12वें महीने में कभी भी इस पुराण का हम श्रवण कर सकते हैं, इस कथा का आयोजन कर सकते हैं, इसका स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन किसी के मृत्यु उपरांत अगर यह ग्रंथ पढ़ा जाए तो कहा जाता है कि प्रेतात्मा को विशेष शांति की अनुभूति होती है। और कहीं ना कहीं किसी के मृत्यु के बाद उस 10 दिनों के भीतर यह कथा सुनाने का या करने का इसलिए भी एक विधान बनाया होगा कि जिस कारण से कुटुंब के प्रत्येक सदस्य इन 10 दिनों में तो एकत्रित होकर रहते हैं, और एकत्रित होकर अगर यह पुराण का, यह कथा का अगर श्रवण करे तो अपने जीवन काल में उनके द्वारा जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म होते हैं, उस शास्त्र विरुद्ध कर्म करने से उन व्यक्तियों को बचाव मिल सके, उनकी रक्षा हो सके। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता चले कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए और कौन सा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। कर्मों का यह गहन विज्ञान जो है, या गहना कर्मणों गति कहा कि कर्म की गति बड़ी गहन है, इस गहन गति को, यह गुप्त गति को, यह रहस्यमयी गति को प्रत्येक व्यक्ति ठीक ढंग से जान पाए, इसलिए उन 10 दिनों में, किसी के मृत्यु के उपरांत 10 दिन जो होते हैं दश क्रिया विधि के, उन दिनों में यह कथा सब लोग सुन सके और उसके माध्यम से हमें क्या करना क्या न करना, पाप पुण्य, कौन सा कर्म करने से पाप लगता है, कौन सा कर्म करने से पुण्य लगता है, इन दोनों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। इस निमित्त से किसी ने या ऋषियों ने कहो यह विधान बनाया होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यह श्रीमद् गरुड़ महापुराण केवल किसी की मृत्यु हो तभी पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है। ये कभी भी पढ़ा जा सकता है, कभी भी इसका श्रवण किया जा सकता है। जैसे कानून के जानकार, वकील आदि, वो बार बार उन धाराओं को याद करते हैं, पढ़ते हैं और ठीक याद कर लेते हैं। और हम भारत में रहने वाले, भारत के संविधान को, संविधान के अनुसार चलने वाले हम सब भारत के नागरिक हैं, तो जैसे हमें भारत की बहुत सी IPC धारा जो संविधान की है उसे याद रखना आवश्यक है, तो हमें डर रहता है कि अगर हमने इस धारा का उल्लंघन किया, अगर हमने ये ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया और हमने इसका उल्लंघन किया तो बदले में हमें दंड मिलेगा, हमने अमुक प्रकार की चोरी की है, व्यभिचार किया है, बलात्कार किया है, किसी की हत्या की है, वो इरादतन हत्या हो या गैर इरादतन हत्या हो, तो उसके अलग अलग धाराएं जैसे हमारे कानून में हैं, हमारे संविधान में हैं, हमारी दंड संहिता में हैं, तो उसे बार बार याद करने से हमें पता रहता है कि ये नहीं करना है हमें, नहीं तो हम कानूनी प्रावधान में, उन कानूनी दाव पेचों में फंस सकते हैं, तो हम उससे सावधान रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यह गरुड़ पुराण का भी जब बार बार हम श्रवण करेंगे तो हमें पता रहेगा कि कौन सा कर्म हमें करना है और कौन सा कर्म हमें नहीं करना है। नहीं करना है ऐसा कर्म अगर हमने किया तो फिर हम यमराज की दंड संहिता के अनुसार बहुत बड़े गुनहगार होंगे, अपराधी होंगे, और अपराधियों को धरती पर तो बड़े से बड़ी सजा एक ही है, फांसी दे दो, मृत्यु दंड दे दो,
कहानी खत्म। लेकिन यमपुरी में जो यातनाएं दी जाती है वो तो मृत्यु के उपरांत यानी ये शरीर खत्म होने के बाद मिलेगी, और उस समय मृत्यु नहीं होती क्योंकि मर के ही तो वहां पहुंचे। वहां तो कोल्हू में भी पेरा जाएगा, खोलते हुए तेल में भी हमें तला जाएगा, वहां तांबे की तप्त भूमि होती है, ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे से अंगारों पर वो तांबे की भूमि लाल लाल दहक रही है, और उस तपती हुई ताम्र की भूमि पर हमें चलना पड़ता है। जब पांव जल जाते हैं तो व्यक्ति उस पर गिर जाता है, और जीव गिर जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर भुना जाता है, सिका जाता है, और वो चिल्लाता रहता है, बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो। लेकिन उस समय किए हुए कर्म तो भोगने पड़ते हैं, वहां मृत्यु नहीं आती है। तो ऐसे बहुत से कठिन दंड नरक में दिए जाते हैं यमराज जी के द्वारा। तो ये गरुड़ पुराण हम सबको जीवन में जितनी बार मौका मिले इसका पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। अब यहाँ कल हमने बहुत सी चीजें जानी, आज पुनः गरुड़ पुराण के माध्यम से हम नई नई चीजें जानेंगे, क्या करना कैसे करना सब जानेंगे। आज हम गृहस्थ धर्म निरूपण नामक अध्याय पढ़ेंगे, और इसमें बताया गया कि हमें विवाह किससे करना और कितने प्रकार के विवाह होते हैं और किस पद्धति से कौन सा विवाह करने पर श्रेष्ठकर होता है, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। अब यह याज्ञवल्क्य जी यज्ञव्रत मुनियों को यह कथा सुना रहे हैं, यह अध्याय बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि सभी असपिंडा कन्या को विवाह योग्य बताया गया है, और इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सपिंडा कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। आप कहोगे ये सपिंडा और असपिंडा क्या होता है, तो उसमें ऋषि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि माता से लेकर उनके पिता पितामह आदि की गणना में पांचवी परंपरा तक तथा पिता से लेकर उनके पिता पितामह आदि की गणना में सातवीं परंपरा तक सपिंड समझना चाहिए। माने माता के कुल में जैसे माँ हुई, उनके पिता हुए मतलब हमारे नाना आदि, तो ऐसे पांचवी पीढ़ी तक अगर कोई संबंध में कोई कन्या मिलती है तो उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। और पिता के पिता माने हमारे दादा, फिर परदादा, फिर उनके पिता, ऐसी हमारी सात पीढ़ियों में अगर कोई संबंधित अगर कोई कन्या है तो उसे सपिंडा कन्या कहते हैं, और ऐसे सपिंड में कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। असपिंडा हो माने हमारे कुल गोत्र से कोई रिश्ता दूर दूर तक न रखने वाले हो, ऐसी कन्या से विवाह करना श्रेष्ठकर कहा गया है, और ऐसी ही कन्या से विवाह उचित है जिसका मातृकुल तथा पितृकुल में पांच पांच परंपरा तक सदाचार अध्ययन एवं पुत्र पौत्रादि की समृद्धि की दृष्टि से विख्यात हो, ऐसे ही कन्या के लिए समान वर्ण में उत्पन्न क्षत्रिय विद्वान पुरुष श्रेष्ठ होता है, उन्हीं से विवाह करना चाहिए। अब विवाह के प्रकार बता रहे हैं। अपने घर पर वर को बुलाकर उसे यथाशक्ति कन्या को 16 श्रृंगार से युक्त करके और फिर कन्या का दान कर देना, उसे ब्रह्म विवाह कहा गया है। इस विधि से विवाहित स्त्री पुरुष से उत्पन्न होने वाली संतान दोनों कुलों के 21 पीढ़ियों को पवित्र करती है। दूसरा बताया दैव विवाह।
यज्ञ दीक्षित रुक्वित ब्राह्मण को अपनी कन्या देना दैव विवाह होता है। माने जो सदाचरण करने वाला हो, यज्ञ करने वाला ऋत्विक हो, पूजन करने वाला हो, भगवत भक्त हो, ऐसों को अपनी कन्या दे देना दैव विवाह है। तथा वर्षे एक जोड़ा गऊ कन्या का पिता वर्षे गऊ का जोड़ा मूल्य के रूप में नहीं लेता, आवश्यकतावश धर्म कार्य आदि संपन्न करने के लिए होता है। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार जितना से धर्म कार्य हो सके उतना ही एक ही गौ या गौ का जोड़ा कन्या पिता को वर से लेना चाहिए। माने एक जोड़ा गौ लेकर उसको कन्या प्रदान करना आर्ष विवाह कहा जाता है। माने इसमें दहेज वगैरह जो दिया कन्याओं से, कन्या के पिता से जो दहेज लिया जाता है, इसमें वर को एक जोड़ा गौ माने एक गाय और एक बैल, एक नंदी ऐसा दान देना, उसको आर्ष विवाह कहा जाता है। इस प्रथम ब्राह्म विवाह विधि से विवाहित स्त्री पुरुष से उत्पन्न पुत्र अपनी प्रथम की सात तथा बाद की सात इस तरह 14 पीढ़ियों को पवित्र करता है। और आर्ष विधि से विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 पूर्व तथा 3 बाद के इस तरह 6 पीढ़ियों को पवित्र करता है। तुम इस कन्या के साथ धर्म का आचरण करो, यह कहकर विवाह की इच्छा रखने वाले वर को पिता के द्वारा जब कन्या प्रदान की जाती है तब ऐसे विवाह को काय विवाह या प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। इस विवाह विधि से उत्पन्न पुत्र अपने सहित पूर्व की 6 तथा बाद की 6 पीढ़ियों को इस तरह कुल 13 पीढ़ियों को पवित्र करता है अपने सहित। फिर बताया कि कन्या के पिता या बंधु बांधव अथवा कन्या को ही यथाशक्ति धन देकर यदि कोई वर उससे विवाह करता है तो इस विवाह को आसुरी विवाह कहते हैं। माने खरीदना, कन्या के माता पिता को पैसा दे दिया कि ये ले लो अब ये कन्या हमारी हो गई, या कन्या को ही पैसे दे दिए कि तू इतना धन आदि ले ले और तू अब मेरे से विवाह कर ले, तो ऐसे विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। और वर और कन्या के बीच पहले ही पारस्परिक सम्मति हो, माने दोनों में प्रेम हो और उसके बाद वो विवाह होता है, तो ऐसे विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं। कन्या की इच्छा नहीं है और फिर भी बलात् उसके साथ विवाह करना, यह राक्षस विवाह है। और कन्या सो रही है या किसी अन्य कार्य में लिप्त है या घर से दूर है, माता पिता से दूर है, या एकांत में कहीं है और वहां से उसको उठा लिया, अपहरण कर लिया और उसके साथ फिर जबरदस्ती विवाह किया जाता है, ऐसा विवाह पैशाचिक विवाह कहा जाता है। तो इन 8 विवाहों में प्रथम 4 प्रकार के विवाह माने ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, प्राजापत्य विवाह ये और आर्ष विवाह, ये सब उत्तम कहे गए हैं, उनको यह करना चाहिए। अब इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, आप सब बिल्कुल इसे ध्यान से सुनिए। आप सबको यह बातें गरुड़ पुराण के माध्यम से पता चल रही है कि पति की कितनी जिम्मेदारी है और पत्नी की कितनी जिम्मेदारी है, कैसी स्त्री का हमें त्याग करना चाहिए और कैसी स्त्री के साथ हमें जीवन भर निर्वाह करना चाहिए, कैसे पति के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए और कैसे व्यक्ति का त्याग करना ही श्रेष्ठकर है, इस विषय में गरुड़ पुराण बहुत गहन और गंभीर बात कर रहा है, ध्यान से सुनिए।
पिता पितामह, पिता या दादा, भाई बंधु बांधव अथवा माता, इतने लोग ही कन्यादान करने के अधिकारी कहे गए। जो पूर्व में बताया इनके अभाव में उत्तरोत्तर कन्यादान के अधिकारी है। यदि उन्माद आदि दोष से ग्रस्त नहीं है, माने अगर वो पागल नहीं है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, यदि कन्यादान का अधिकारी समय पर कन्यादान न करे तो कन्या के ऋतुमती हो जाने पर कन्यादान के अधिकारी को कन्या के प्रति ऋतुकाल में एक एक भ्रूण हत्या का पाप लगता है। माने यहां ये कहा गया कि कौमार अवस्था जैसे प्रारंभ हो जाए तो कन्या का विवाह करा देना ही श्रेयस्कर होता है। अधिक उम्र बीत जाने के बाद अगर विवाह करते हैं तो जो कन्यादान करता है उसको एक एक भ्रूण हत्या का पाप लगता है। माने जितनी बार उसे ऋतुकाल आता है, माने वो रजस्वला होती है, उतना उतना उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता जाता है, ऐसा श्रीमद् गरुड़ पुराण कहता है। कन्यादान के दाताओं के अभाव में कन्या को स्वयं उपयुक्त वर का वरण कर लेना भी शास्त्र सम्मत नियम है। मान लो पिता नहीं है, भाई नहीं है और ये विवाह आदि ये उचित समय पर नहीं करा रहे हैं, तो ऐसे समय में अगर कन्या स्वयं वर का चयन करती है तो हमारे शास्त्र में उसको छूट दी है। कन्या एक बार दी जाती है, इसलिए कन्या एक बार देकर पुनः उसका अपहरण करने वाला चोर कर्म के समान दंड का भागी होता है। माने एक बार हमने कन्या दे दी और फिर उस कन्या को वापस वहां से उठा कर ले आए और ये कहने लगे कि मेरी बेटी के साथ वो पति अच्छा नहीं करता, वो ससुराल वाले ज़्यादा काम कराते हैं, उसको सताते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, ऐसा कहकर अगर माता पिता उस कन्या को लेकर आ जाते हैं तो ऐसे माता पिता के लिए कहा गया कि उसका अपहरण करने वाला चोर कर्म कहा जाता है और ऐसे करने वाला दंड का भागी होता है। और पति के लिए कहा गया कि निर्दुष्ट अर्थात जो सौम्य है, सुशीला है, मधुर संभाषिणी, ऐसे पत्नी का परित्याग करने पर पति दंडनीय है, किंतु अत्यंत दुष्ट, महापातक आदि से दुष्ट पत्नी का उपायांतर के अभाव में परित्याग किया जा सकता है। अगर वो पत्नी अत्यंत दुष्ट है, क्रूर स्वभाव की है और पर पुरुष में आसक्त होने वाली है तो उसका परित्याग किया जा सकता है। यदि कन्या का किसी वर के साथ विवाह करने के लिए वागदान मात्र किया गया हो, आज भी कई गांवों में ऐसा होता है, बचपन में ही कह दिया जाता है कि आपके बेटे से मेरी कन्या का विवाह हम करा देंगे और फिर वो जो कुछ भी तिलक आदि करना होता है वो कर देते हैं। लेकिन अब तिलक आदि करा दिया, लेकिन बड़ा होने के बाद मान लो वो जो वो लड़का है वो नपुंसक निकले, वो लड़का यदि मंद बुद्धि निकले, वो लड़का अगर अशक्त है, वो लड़का अगर रोगी है, तो उस समय अथवा उसका मरण हो जाता है अल्प आयु में ही, तो कहा गया कि ऐसे समय में कन्या को पुत्र प्राप्त करने का उपाय यही है कि वो उसके सपिंड या तो फिर कन्या अपने हिसाब से अपना वर चयन कर सकती है। ये सब यहां बताया गया। आगे ये बताया गया कि स्त्रियों को विवाह से पूर्व चंद्र ने शुचिता दी है, शुद्धि दी है। ध्यान से सुनिए, गंधर्व ने सुंदर मधुर वाणी स्त्री को प्रदान की है एवं अग्नि ने सब प्रकार की पवित्रता प्रदान की है, इसलिए स्त्रियां पवित्र ही होती है, अतएव उनके लिए अतप प्रायश्चित की व्यवस्था है। जैसे पुरुष से अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो उसके प्रायश्चित कर्म के लिए कृच्छ व्रत है, तप्त कृच्छ व्रत है, पाद कृच्छ व्रत है,
और सांतपन आदि व्रत है, बड़े महाकठिन कठिन व्रत बताए गए। लेकिन स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए अतप प्रायश्चित की व्यवस्था है, माने कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़े बड़े व्रत आदि करने की आवश्यकता नहीं है। पर इतने से ही यह नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों में कोई दोष नहीं होता, दोष तो होता है, लेकिन उसकी शुद्धि भी तुरंत हो जाती है। अब यहां यह कहा गया कि जैसे पुरुष की शुद्धि तो तप से होती है, और महिला जो स्त्री है उनकी शुद्धि अतप से कही गई, या रजो दर्शन हो जाए उसके बाद वो शुद्ध हो जाती। लेकिन यहां यह कहा गया कि यदि कोई स्त्री केवल मन से पर पुरुष की इच्छा करती है तो यह भी एक तरह का स्त्री के लिए व्यभिचार है। ऐसे ही अन्य पुरुष से संपर्क करने का कोई संकल्प मात्र भी अगर स्त्री कर लेती है तो यह भी किसी भी रूप में व्यभिचार ही माना जाएगा। ऐसा व्यभिचार यदि प्रकाश में नहीं आया है तो इससे उत्पन्न दोष का मार्जन स्त्री के ऋतुकाल में रजो दर्शन से हो जाता है। माने भगवान ने या हमारे शास्त्रों ने या ऋषि मुनियों ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की है कि हर प्रत्येक महीने स्त्री पवित्र होती जाती है, शुद्ध होती जाती है रजस्वला होने के बाद। तो यहां ये कहा गया यदि पर पुरुष शुद्र के साथ संपर्क कर कोई स्त्री गर्भधारण कर लेती है तो इस पाप का प्रायश्चित उस स्त्री का त्याग ही कर देना है। ऐसे ही गर्भवध, माने जो स्त्री गर्भ में आए हुए बालक को गिराने का पाप करती है, पति का वध करती है, ब्रह्म हत्या करती है आदि महापातक से ग्रस्त होने पर तथा अपने ही शिष्य आदि के साथ गमन करने वाली स्त्री का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ कहा गया है। आगे कहा मदिरा पान करने वाली स्त्री, दीर्घ रोगिणी, द्वेष रखने वाली, वंध्या, धन का नाश करने वाली माने अधिक खर्चा करने वाली, अप्रियवादिनी माने जो हमेशा जब भी मुंह से निकाले कोई शब्द तो प्रेम युक्त नहीं लेकिन बोले तो ऐसा लगे कि कोई नागिन डस रही हो, केवल आहत करने वाले शब्द ही उच्चारण करने वाली हो ऐसी स्त्री, कन्या को उत्पन्न करने वाली, केवल कन्या को ही जन्म देती हो एवं पति का अहित ही करने वाली हो ऐसी भार्या का परित्याग कर दूसरा विवाह करना श्रेयस्कर है। लेकिन दूसरा विवाह करने पर ऐसा नहीं कि प्रथम विवाहिता स्त्री का परित्याग कर दे, नहीं, उसको मान सम्मान दान सत्कार आदि के द्वारा भरण पोषण करना चाहिए, अन्यथा उस स्त्री के पति को महापाप होता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस घर में पति पत्नी के मध्य किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता उस घर में धर्म अर्थ और काम स्त्री वर्ग की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। अतः प्रथम विवाहिता एवं वर्तमान भार्या में, भार्या माने पत्नी, अस्वीकृत स्त्री भी पूर्व में भार्या रही है, इस दृष्टि से उससे विरोध नहीं करना चाहिए, उसे पूर्ण प्रसन्न रखना चाहिए। जो स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात अथवा उसके जीवित रहते हुए अन्य पुरुष का आश्रय नहीं लेती वह इस लोक में यश प्राप्त करती है और अपने पातिव्रत्य पुण्य के प्रभाव से परलोक में जाकर पार्वती जी के सहचार्य में आनंद प्राप्त करती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये सारे नियम और भी बहुत सारे नियम हैं जो यहाँ दिए गए, पुरुष के लिए यहाँ बताया गया कि स्त्रियों की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। अब कौन कौन पुरुष रक्षण करने योग्य है, रक्षक बनने योग्य है, वो यहाँ लिखा है। पहला बताया कि सबसे पहला तो पति रक्षक है, दूसरा बताया भाई रक्षक है,
भाई न हो तो पिता रक्षक है, पिता न हो तो पितृव्य पिता के समान, जो पिता के भाई चाचा आदि है वो। फिर बताया सास ससुर, फिर कहा देवर तथा फिर अन्य बंधु बांधव। इन सबको स्त्रियों का आभूषण वस्त्र एवं भोजन आदि के द्वारा पर्याप्त आदर करना चाहिए, और स्त्री को भी चाहिए कि स्त्री को घर की सामग्री संयमित रूप से रखनी चाहिए, कार्य कुशल होना चाहिए, स्त्री को हमेशा प्रसन्न वदन रहना चाहिए, मित व्ययी होना चाहिए माने अधिक खर्चीली नहीं होना चाहिए, तथा सर्वदा अपने सास ससुर के चरणों का वंदन करना चाहिए। जो स्त्री प्रोषित पति का है, अर्थात जिसका पति परदेश चला गया है, उसके लिए किसी प्रकार की क्रीड़ा माने खेल तमाशा, शरीर की सजावट, सामाजिक उत्सवों में जाना, हास परिहास तथा दूसरे के घर में जाना सर्वथा वर्जित है। माने पति जब घर में न हो, कहीं परदेश चला गया हो, तो ऐसी स्त्री को दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए। बाल्यावस्था में पिता, यवन काल में पति, वृद्धावस्था में पुत्र अथवा पुत्र के अभाव में अन्य संबंधियों को सदैव नारी की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे बहुत से नियम यहाँ दिए गए हैं, और पति हितेशिणी पत्नी इस लोक में यश अर्जित करके अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बहुत से ऐसे यहाँ नारी के लिए पुरुष के लिए नियम बताए हैं। आगे बताया कभी भी अंजलि के द्वारा जल नहीं पीना चाहिए। कईयों को आदत होती है अंजलि में जल लेकर अंजलि से जल पीते हैं या एक हाथ से जल पीते हैं, ऐसे अंजलि के द्वारा जल नहीं पीना चाहिए, नहीं तो बुद्धि का क्षय हो जाता है। और निद्रा निमग्न व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। जो भी सोया हुआ व्यक्ति है, सो रहा है, गहरी नींद में है, कितना भी जरूरत हो उसे जगाना नहीं चाहिए। धूर्त वंचक का साथ नहीं करना चाहिए, जो कपटी है, धोखा देने वाला धूर्त है, ऐसे व्यक्ति का कभी भी संग नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। रोगी जनों के साथ शयन नहीं करना चाहिए। कोई रोगी है तो भले पति पत्नी है, पत्नी बीमार है या पति बीमार है, या माँ बीमार है, पिता बीमार है, या भाई बहन, कोई भी ऐसा बहुत नज़दीक का व्यक्ति, मित्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बीमार है तो उसके साथ शयन नहीं करना चाहिए। कुछ दिन जब तक वो पुनः स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक उसके साथ शयन न करें। धर्म विरुद्ध कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। चिताग्नि के धुएं को सूंघना नहीं चाहिए, तथा नदी में तैरना वर्जित है, बहती नदी में नहीं तैरना चाहिए। केश पर बाल कहीं गिरा हुआ हो, कहीं यज्ञ की भस्म गिरी हो या राख हो, उस भस्म पर, भूसी पर, जो भूसी गेहूं आदि की जो भूसी निकलती है उस भूसी पर, प्रज्वलित अग्नि के अंगारों पर तथा कपाल पर माने खोपड़ी पर स्थिर नहीं होना चाहिए, मतलब पांव नहीं रखना चाहिए, उनको लांगना भी नहीं चाहिए, दूर होकर वहां से निकल जाना चाहिए। कईयों को आदत होती है बाल तोड़ कर कभी पांव के अंगूठे में घुमाएंगे तो कभी भोजन में बाल आ जाए। गरुड़ पुराण तो ये कहता है कि अगर भोजन करते समय बाल आ जाए तो उसी समय थाली को प्रणाम कर ले, उस दिन का भोजन वहीं समाप्त हुआ यह समझना चाहिए, और जल पीकर और उस दिन संपूर्ण दिन निराहार रहना चाहिए। अगर बाल युक्त भोजन अगर कर लिया जाता है तो वो बाल युक्त भोजन बुद्धि को नष्ट करता है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसके घर से पुरुषार्थ चला जाता है, और पुरुषार्थ चला गया
तो लक्ष्मी चली जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक पूरी व्यवस्था है जो यहाँ बताई गई। आगे बताया, किसी के बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को बताना नहीं चाहिए। माने कोई बछड़ा गलती से छूट गया और वो दूध पी रहा हो, और हम भागते हुए गए और मालिक को कहने लगे कि भाई वो तुम्हारा बछड़ा छूट गया, गाय दूध पी रही है, इस प्रकार से चुगली नहीं करनी चाहिए। और किसी के घर में द्वार के अतिरिक्त अन्य गवाक्ष आदि मार्गों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लोभी तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले राजा से प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। माने जो लोभी हो और शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाला नेता हो, राजा हो, ऐसे से कभी भी प्रतिग्रह, माने कुछ उसके द्वारा दी हुई कोई भेंट, धनराशि, वस्त्र, आभूषण आदि नहीं लेने चाहिए। ये यहां बताया गया। आगे बताया कि देवता की मूर्ति ऋत्विक, स्नातक, आचार्य और राजा की छाया, पर स्त्री की छाया, रक्त, विष्ठा, मूत्र, थूक और उपटन की सामग्री को लांघना नहीं चाहिए। ये लांघने से हमें दोष लगता है। और श्रुति और स्मृति में कहे गए सदाचार का पालन करना चाहिए। क्या कहा गया श्रुति और स्मृति में? दोनों में एक ही बात लिखी है कि किसी के गोपनीय रहस्य को प्रकाशित कर उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी की निंदा या ताड़ना नहीं करनी चाहिए, किंतु पुत्र अथवा शिष्य को दंड अवश्य देना चाहिए जिससे उनके जीवन का निर्माण हो। आगे बताया, दूसरे के सरोवर में से 5 पिंड मिट्टी बिना निकाले उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। नदी, झरना, देव सरोवर और पोखर, तालाब में स्नान करना चाहिए, लेकिन वो अगर हमारा नहीं है तो उसमें से 5 पिंड बनाए मिट्टी के, उसे किनारे पर रखे और फिर स्नान करना चाहिए, ऐसा यहां विधि बताई है। आगे बताया, दूसरों की शैया पर शयन नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है किसी के बिस्तर पर जाकर सो जाए। ऐसे सोने पर इसके दो कारण होते हैं। एक तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखे तब भी एक दूसरे के जीवाणु सबके शरीर के अलग अलग होते हैं, तो किसी के बिस्तर पर वहां सोने पर हो सकता है उसके अनअपेक्षित जीवाणु हम पर आक्रमण करे और बदले में हमें बीमार होना पड़े, तो इसलिए दूसरे के शैया पर शयन नहीं करना चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से अगर देखें तो हम हमेशा प्रत्येक व्यक्ति का अपना आभा मंडल होता है। क्रोधी व्यक्ति का अपना आभा मंडल है, मोही का अपना आभा मंडल है, कामी का अपना आभा मंडल है, वैरागी का अपना आभा मंडल है, भक्त का, संत का अपना आभा मंडल है, एक चोर का अपना आभा मंडल है, एक कपटी का अपना आभा मंडल है। तो पता नहीं वो जो बिस्तर है वो पता नहीं किस आभा मंडल से ग्रसित है। और ये कलयुग है, यहाँ मुंह पर तो बहुत मीठे लोग होते हैं लेकिन अंदर क्या रहता है ये कोई नहीं जान पाता। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो व्यक्ति जैसा दिखता है वो वैसा ही हो। बहुत अच्छा दिखने वाला व्यक्ति हो लेकिन अंदर से उसका आभा मंडल कुछ और हो, तो ऐसे व्यक्ति के बिस्तर पर जाकर सो जाने से उसका आभा मंडल हमारे आभा मंडल पर आरोपित हो जाता है, हावी हो जाता है, और जिसके कारण हम अपना स्वास्थ्य खो देते हैं, हम अपने विचार खो देते हैं, हम अपनी स्वयं की महत्ता खो देते हैं और किसी और की महत्ता हम पर आरोपित हो जाती है, तो हमारा गुण और स्वभाव भी उसी व्यक्ति जैसा हो जाता है जिसके बिस्तर पे हम सोते हैं। तो कभी हमारे कथा के यात्रा में बहुत लोगों के घर जाना होता है तो हम
प्रयत्न यही करते हैं कि हम जब भी जाते हैं या तो किसी के बिस्तर पे सोते नहीं है, या तो मजबूरी वश अगर सोना भी पड़ता है तो हम हमारी चादर, हम हमारे वस्त्र साथ में ले जाते हैं, पहले वो बिछाते हैं और भगवान नाम मंत्रों से गंगा जल आदि, गौमूत्र आदि छिड़क कर वो आभा मंडल पवित्र कर और फिर हम उस पर शयन करते हैं। तो ये नियम प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू होता है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो किसी अन्य धर्म का है। ये जो गरुड़ पुराण में बताया हुआ जो कोई भी नियम है ये प्रत्येक मनुष्य पर लागू होते हैं। ये केवल सनातन धर्मावलंबियों के लिए नियम नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए नियम यहाँ बताया गया। तो पहला बताया कि दूसरे की शैया पर शयन न करें और अनापत्ति काल में परान्न भोजन नहीं करना चाहिए। माने अगर आपत्ति नहीं है और घर में सब सुविधाएं साधन हैं तो हमें हमारे घर का ही भोजन करना चाहिए, दूसरे के अन्न पर हमें आश्रित नहीं होना चाहिए। फिर बताया कि हमें किन किन के घर का अन्न कदापि नहीं खाना चाहिए। उस विषय में गरुड़ पुराण में एक लंबी सूची दी हुई है, मैं पढ़ता हूं आप सुनते जाइए। पहले बताया, सबसे पहला बताया कि कृपण के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। कृपण की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या होती है, लेकिन कम शब्दों में बस इतना कहना चाहता हूं कि जो किए हुए शुभ कर्मों को जो भूल जाता है, या यूं कहो कृपण का एक शब्दार्थ कृतज्ञ भी होता है, तो उनके घर का सबसे पहले भोजन न करें। दूसरा बताया जो बंदी है, माने किसी के अधीन रहता है या जो कारागृह में है, सरल सा अर्थ यही है जो कारागृह में है। और एक तो होता है जो बाह्य कारागृह में बंद है, वो तो हमें भोजन कैसे कराएगा, लेकिन यहां बताया गया कि जो बौद्धिक रूप से भी किसी का गुलाम होता है ऐसे को भी हमारे शास्त्रोक्त भाषा में बंदी कहा है, और ऐसे बंदी के घर का भोजन न करे, चोर के घर का भोजन न करे। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र नहीं करते ऐसे ब्राह्मण के घर भी भोजन न करें। जो बांस का काम करने वाले होते उनके घर पे भी भोजन न करें। जो बांस की टोपली या बांस के द्वारा बहुत सारे जो आजीविका चलाते हैं, बांस की बंसी आदि बनाते हैं या बांस के अन्य कोई घर में सजाने योग्य वस्तुएं बनाते हैं, ऐसे बांस का काम करने वाले के घर में भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बांस में हमारे यहाँ पितरों का वास कहा गया है, और जो पितरों के घर को उजाड़े ऐसों पर पितृगण नाराज ही रहते हैं, और ऐसा जो व्यक्ति है उसके घर का भोजन ग्रहण करने से हमारे पितृगण नाराज हो जाते। तो इसलिए बांस का काम करने वाले के घर भोजन न करे। अब बांस का उपयोग हम हमारे घरों में अगरबत्ती के रूप में भी करते हैं, तो अगरबत्ती में जो बांस होता है, बांस जलाने से पितृगण नाराज होते हैं। हम श्राद्ध पक्ष के दिनों में भी अपने पितरों को धूप देने के लिए जो अगरबत्ती का उपयोग करते हैं वो पितरों को प्रसन्न नहीं करते, लेकिन पितरों को कुपित करने का काम करते हैं। तो श्राद्ध करने के बाद भी, पिंडदान करने के बाद भी, तर्पण करने के बाद भी, त्रिपिंडी करने के बाद भी, नारायण नागबली की पूजा करने के बाद भी अगर आपके घर की समस्या ज्यों की त्यों बनी है तो आपने उसमें कहीं ना कहीं ये जो अगरबत्ती जलाई है उसका भी बहुत बड़ा कारण है। इसलिए आज ही घर से अगरबत्ती निकाल कर फेंक दे, अगर उसमें बांस का उपयोग किया है तो। अगर बिना बांस की डंडे की अगरबत्तियां मिलती है लेकिन बहुत कम मिलती है, और अगर बिना बांस के डंडे की अगर आप वो अगरबत्ती का उपयोग करते हैं तो सबसे उत्तम है। और मेरी मानो तो अगरबत्ती का उपयोग न करके आप धूप का उपयोग करिए, गूगल का धूप है, बहुत सारी औषधियों के अगर तगर गूगल घर में ही अगर आप सब औषधियाँ लाकर मिला लो, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दो, उसमें इत्र थोड़ा सा डाल दो, गूगल डाल दिया, अगर तगर और साथ में थोड़ा जव मिला लिया, थोड़े चावल मिला लिए, और इस प्रकार से अगर आपने मिलाकर कुछ औषधियाँ डाल दी, जटामासी है, अश्वगंधा है, और उसमें गिलोय है,
पीपल है, बड़ की जटाओं का चूर्ण है, ये सब अगर डालकर अगर आपने घर में ही धूप तैयार कर लिया और उस धूप से अगर आप पितृगणों को वो धूप देते हैं, घर में जो देवता प्रतिष्ठित हैं उनको वो धूप देते हैं, तो ऐसा धूप देवताओं को पितरों को प्रसन्न करने वाला होता है। तो बांस का काम करने वाले के घर में भोजन न करें। दूसरा, न्यायालय में जिसका दोष सिद्ध हो चुका है उसके घर का भोजन न करें। सुदखोर व्यक्ति के घर भोजन न करें, जो व्याज का धंधा करते हैं ऐसे के घर का अन्न तो कदापि न खाए। और हमारे गुरुजी तो ये कहते थे, और हमारे संतों के भीष्म पितामह साकेतवासी श्री रामसुखदास जी महाराज तो ये कहते थे, ब्रह्मलीन हो गए उन्होंने, वो तो यही कहते थे कि कोई सूद का धंधा करता है, ब्याज का व्यापार, ब्याज का धंधा करता है और ब्याज के पैसों पर अपनी आजीविका चलाता है, और वो ब्याज का पैसे से बहुत धनी हो गया, ऐसा धनी व्यक्ति अगर भंडारा भी करवाता है तो संतों को और भक्तों को तो ऐसे भंडारों का भोजन भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो सूद की हाई लेकर जो पैसा कमाया है वो पैसे का अन्न अगर आपके पेट में गया है तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और मन फिर अगर अपने मार्ग से अपने लक्ष्य से विचलित हो गया तो फिर न जाने और कितने जन्म और लेने पड़ेंगे। तो इसलिए ऐसे ब्याज का धंधा चलाने वाले लोग अगर भंडारा आदि भी कराते हैं तो नहीं खाना चाहिए उस धन से आया हुआ अन्न, तो ऐसा महात्मा कहते थे। तो आज भी बहुत सारे ऐसे हरिद्वार के, वृंदावन के ऐसे बहुत से भजनानंदी महात्मा हैं जो भंडारों के भोजन को तो हाथ ही जोड़ देते हैं, अन्न का अपमान नहीं, लेकिन वो अन्न जिस कमाई से आया है उस कमाई को हाथ जोड़ते हैं कि ये हम नहीं पचा सकते। तो यही नियम हम सब पर भी लागू होता है। तो सूद खोर के घर भोजन न करें। फिर कहा वैश्या के घर का भोजन न करे, वो तो स्वाभाविक है, नहीं करना चाहिए, पाप की कमाई। फिर कहा सामूहिक दीक्षा देने वाले के घर भोजन नहीं करना चाहिए। फिर कहा चिकित्सक के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, चिकित्सक माने डॉक्टर, उनके घर का भी भोजन न करे। फिर कहा रोगी के घर का भोजन न करे। फिर कहा क्रोधी के घर का भोजन न करे, जो बात बात में गुस्से में आ जाए, बात बात में क्रोधी हो जाए, छोटी छोटी बात में हमेशा नाक फूला रहे, गाल फूला रहे, मुंह देखो तो हमेशा सूजा हुआ रहे, ऐसे क्रोधी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। फिर कहा नपुसंक के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। फिर कहा रंगमंच से जीविका चलाने वाले के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। रंगमंच माने आप सभी जानते ही हो, जो नाटक आदि होते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन जिस मंच पर करके और फिर जो आजीविका चलाते हैं उनके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। तो आप पूछोगे ऐसा क्यों, उनके घर का भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि अपनी कला को दिखाकर बेचना ये पाप है। मनोरंजन के लिए दिखाया ठीक है, लेकिन आप धन लेकर वो कला का प्रदर्शन कर रहे हो, तो ऐसे जैसे जो जादूगर हैं मंच पर, बहुत सारे लोग अपनी कलाकारियां दिखाते हैं, उनके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। फिर बताया जो उग्र है, निर्दय है, पतित है, जो व्रत आदि नहीं करता, दंभी है, दूसरे का झूठा भोजन खाने वाला हो उसके घर भोजन नहीं करना चाहिए। शस्त्र विक्रेता के घर भोजन नहीं करना चाहिए। जो पुरुष स्त्री के वश में ही सदा रहने वाला, स्त्री की बात ही मानने वाला है, ऐसे व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए। फिर बताया ग्राम में याजक के घर भोजन न करें, माने ग्राम के देवी देवताओं को जागृत रखने के लिए जो हमेशा अनुष्ठान आदि में लगा रहता है, ये पूर्व काल में होते थे, अब तो ग्राम में याजक बचे ही नहीं है, पहले होते थे। गांव के लोग एक व्यक्ति को ग्राम देवता के मंदिर में बिठा के रखते थे कि भाई तुझे सुबह शाम इनका पूजन करना है, इनका जब तिथि आए, व्रत आए, तो ये उनको भोजन भोग आदि लगाना है। तो वो जो ग्राम में याजक होता था उसके घर भोजन करने की मना की है। फिर बताया जो निर्दयी राजा है उसके घर का भोजन न करे। धोबी के घर का भोजन न करे, तो बोले फिर इसमें तो धोबियों से घृणा हो गई। धोबी से घृणा नहीं है, धोबी के घर का अन्न इसलिए खाना मना है क्योंकि
धोबी एक दो कपड़े नहीं धोता है, धोबी अनेक घरों के कपड़े लाकर जब धोता है तो उतरे हुए वस्त्र अशुद्ध होते हैं, और उस अशुद्ध वस्त्र को धोते समय जो पानी गिरता है वो संपूर्ण भूमि अशुद्ध होती है। धोए हुए वस्त्र अथवा हम हाथ भी धोते हैं तो नाखूनों से लगकर जो पानी छिटका जाता है वो पानी भी अति अशुद्ध कहा गया। ऐसा जल प्रेत पीते हैं, पिशाच पीते हैं। तो वो जो धोबी कपड़े भी धोता है तो वो जो छींटे गिरे वो वस्त्रों के वो भी अशुद्ध होते हैं और वो अशुद्ध स्थान माना जाता है। इसलिए इनके घर भोजन करने से हो सकता है कि वो पिशाच आदि जो अशुद्ध जल पीने के लिए वहाँ आए हो वो हमारे पीछे लग जाए, एक कारण ये भी है। और अपवित्र वस्तु है तो हमारे वहाँ जाने से भजन पूजन करने वाले जो भजनानंदी साधु महात्मा हैं, ब्राह्मण आदि हैं, उनके भजन में विघ्न न पड़ जाए, इसलिए धोबी के घर भी भोजन करना गरुड़ पुराण में मना किया है। इसका अर्थ ये नहीं कि धोबी से घृणा है, नहीं, धोबी से घृणा नहीं है। अगर धोबी से घृणा होती तो पूर्व काल में बहुत से ऐसे धोबी संत हुए जिनकी बातें भक्तमाल आदि ग्रंथों में भी आई है, तो वो कथा भी हम आगे कभी आपको कहेंगे। तो उनके घर भोजन न करें। आगे ये बताया कृतज्ञ व्यक्ति के घर भोजन नहीं, जो पहले आया। फिर बताया कसाई, कसाई के घर भोजन न करें। चुगलखोर के घर भोजन न करें। चुगली करने वाला, देखा वो ऐसा वो ऐसी वो ऐसा चुगली करे, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, करने वाले के घर भोजन नहीं करना चाहिए। फिर बताया झूठ बोलने वाले के घर भोजन न करे। फिर बताया मद्य विक्रेता के घर भोजन न करे, जो शराब बेचने का काम करता है। शराब पीना गरुड़ पुराण में जो पापों का जो उच्च श्रेणी कही गई महापातकियों की, उसमें चार कहे गए और उस चार में भी मद्यपी जो शराब पीने वाला है वो महापातकी कहा गया। तो पीने वाला पापी है तो उसे बेचने वाला कितना बड़ा पापी होगा, तो उसके घर पे भी भोजन करने का मना किया है। फिर बताया स्वर्णकार, जो सुवर्ण का काम करते हो, माने सुवर्ण बेचने का कार्य नहीं लेकिन सुवर्ण गढ़ने का जो काम करते हो, उनके घर भोजन न करें। इन सबका अन्न कदापि नहीं खाना चाहिए। तथा बाल और कृमि, भोजन में अगर बाल आ जाए या कीड़ा दिख जाए, उसमें अगर दिख जाए ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर आए तो उसी समय उठ जाना चाहिए, हाथ जोड़कर अन्न देवता को प्रणाम करें, आचमन करें जल का, और फिर उस दिन निराहार रहे तो उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है। आगे बताया बासी, उच्छिष्ट माने जूठा, शुक्त, शुक्त माने पका हुआ वह अन्न जो बहुत काल बीत जाने पर विकृत हो गया माने खराब हो गया, ऐसा नहीं खाना चाहिए। फिर बताया कुत्ते के द्वारा स्पृष्ट अन्न, कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ अन्न या कुत्ते के द्वारा देखा हुआ अन्न कदापि नहीं खाना चाहिए, उसे उसी कुत्ते को खिला देना चाहिए, तो वो नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया पतित द्वारा देखा हुआ अन्न, पतित, अब पतित किसे कहे, बोले जो भगवान के भजन से विमुख है वो भक्तों के लिए पतित व्यक्ति है। पतित की तो बहुत सारी श्रेणियां बताई, लेकिन हम भक्तों के लिए, हम वैष्णवों के लिए वही पतित है जो भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से विमुख है, और ऐसे पतित का देखा हुआ अन्न भी न खाए। छूना तो दूर की बात है, देखना भी पाप। आगे बताया रजस्वला से स्पृष्ट भोजन भी न करे। घर में आप जो देख रहे हैं वो तो सब वैष्णव हैं, और वैष्णव तो इस नियम का अवश्य पालन करते हैं। आपातकाले मर्यादा नास्ति होता है, घर में बालक है, घर में कोई नहीं है, बुजुर्ग है घर में, तो वो अगर उस स्थिति में अगर भोजन आदि बना दे और फिर पांचवे दिन घर की शुद्धि गौमूत्र गंगा जल आदि छिटक कर कर ले, और जहाँ जहाँ स्पर्श किया है वो अन्न बदल दे या उसकी शुद्धि कर ले, तो वो अन्न, वो रसोई भोजन करने योग्य कही गई। लेकिन इसमें ये बताया कि रजस्वला स्त्री के द्वारा अगर अन्न का स्पर्श हो जाता है
वैसे तो पूर्व काल में हमारा जहाँ गुरुकुल में रहना करना हुआ, वहाँ तो देखा हुआ अन्न भी भोजन योग्य नहीं समझा जाता था, उसे फेंक दिया जाता था। तो रजस्वला स्त्री का देखा हुआ अन्न भी न खाए, लेकिन गरुड़ पुराण में यह कहा है देख ले तो ठीक है, लेकिन स्पर्श अगर हो गया तो वो अन्न नहीं खाना चाहिए। वो गाय को खिला दे, कुत्ते को खिला दे, या उसी रजस्वला स्त्री को खिला दे, लेकिन स्वयं उस अन्न का भोजन न करे। फिर बताया गया संगुष्ट भोजन भी नहीं करना चाहिए। संगुष्ट माने हमने खा लिया और फिर बच गया है तो फिर जोर से चिल्लाए कि अरे आ जाओ भोजन बचा हुआ है और खा लो, ऐसा यद्यपि बासी भी नहीं है और यद्यपि खराब भी नहीं है, बस बना है, हमने भोजन कर लिया, अब अधिक है और बच गया और फिर सबको बांट देना, ऐसे अन्न को संगुष्ट कहा गया है। ऐसे संगुष्ट अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, प्रेम से दे दे, ये न कहे कि बचा हुआ है तुम खा लो, नहीं आ जाओ भूख लगी है आ जाओ और भोजन कर लो, ऐसा कहकर देना चाहिए, ये नहीं कि बचा हुआ है खा लो। एक बार की बात है, हम यूपी में गए थे, बागपत जिला, और वहाँ कथा थी, गन्ने के खेत थे आसपास, और गन्ने के खेत में बहुत सारे जो कथा वगैरह थी उस समय, तो गन्ने के खेत में, खेत के बीच में जगह खाली थी बहुत सारी, तो उसमें कथा का आयोजन रखा, मंडप वगैरह डाला और उसमें कथा हुई। कथा हुई तो जो दूर दूर से लोग दिल्ली आदि से आए थे कथा सुनने, तो उनका निवास भी वहाँ रखा, तो आसपास के किसान सब थे, बड़े खुश थे कथा हो रही है और दूर दूर से, अब कहाँ दिल्ली से मुंबई से लोग वहाँ पहुँचे थे कथा सुनने, तो अब मुंबई वालों के लिए नई बात, गन्ने के खेत में आए हैं, तो आसपास के खेत के जो किसान थे वो ले जाते, आइए हमारे यहाँ गन्ना खिलाते, ले जाते और गन्ना निकाले, काटे, खिलाए। तो एक व्यक्ति ने कहा कि बस बस बहुत हो गया, आपका नुकसान होगा, हमको इतना गन्ना खिलाते हो, आपका नुकसान होगा। तो किसान जोर से हंस के कहता है, बोले कोई बात नहीं, खा लो खा लो, हम ऐसा सोच लेंगे दो चार जंगली सुअर खा गए। हम ऐसा समझ लेंगे कि जंगली सुअर आए और वो खा के चले। अब ये अपमान हुआ कि सम्मान हुआ कि क्या हुआ, इसको क्या समझा जाए। यद्यपि उनका भाव नहीं था ऐसा कि हम इनको सुअर कहे, लेकिन वो गांव की भाषा और वो मुख पे आ गए कि हम ऐसा समझ लेंगे कि जंगली सुअर खा गए, आप तो खाओ खूब। तो ऐसे ही यहाँ जो बात बताई गई संगुष्ट भोजन, आप किसी को बुलाकर भोजन आपने खा लिया, बच गया तो अच्छी बात है, बच जाए भोजन चलेगा, कम नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ बुजुर्गों का कहना है। लेकिन किसी को ये कहकर न दे कि आ जाओ बचा हुआ भोजन है खा लो, इसको संगुष्ट कहा गया, और ऐसे संगुष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। बचा हुआ है लेकिन बोले नहीं कि बचा हुआ है, आ जाओ भोजन रखा है कर लो। फिर कहा गया कि पर्यायान्न भी त्याज्य है। ये पर्यायान्न क्या है, बोले ये कटोरी में हमने थोड़ी खीर निकाल के रख दी के अमुक व्यक्ति के नाम की है, ये उसके लिए मैं निकाल दूं। अब वो व्यक्ति आया ही नहीं खाने, अब वो बची खीर है, वो हो गया पर्यायान्न। अब वो बचा हुआ खिला दे, बोले खा सकते हैं लेकिन कब, बोले जिसके निमित्त निकाला है, वो अगर कह दे कि हाँ खिला दो तो खाने योग्य, नहीं तो नहीं खा सकते, तो उसके लिए भी यहां मना किया गया। अब देखो शब्दों की जो वैभवता है, शब्दों का जो वैभव है वो केवल हमारी भाषा में मिलेगा, हमारे शास्त्रीय भाषा, दूसरी भाषाओं में ढूंढो ये पर्यायान्न क्या होता है, संगुष्ट क्या होता है, ये भोजन वहां है ही नहीं, उच्छिष्ट क्या होता है, उनके यहाँ ये भोजन के शब्द नहीं है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। आगे बताया गाय से सूंघा गया भोजन, पक्षियों के द्वारा खाया हुआ भोजन, और किसी ने जानबूझकर पैर से छुआ गया अन्न, ये भी त्यागने योग्य है, ये खाना नहीं चाहिए।
आगे बताया कि जो कर्म से क्षुद्र है, जिसके कर्म ही गौण है, निम्न है, जाति से नहीं, कर्म से जो क्षुद्र है, ऐसे का अन्न भी नहीं लेना चाहिए। तो बोले किस क्षुद्र के घर का अन्न खाने योग्य है? तो बोले जो परंपरा से हमारे यहाँ सेवक है, गोपालन करता है, कुल परंपरा से जो हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करता है, ऐसे क्षुद्र के घर का अन्न स्वीकार करने योग्य है। दूसरा बताया कि घी और तेल में बनाया हुआ स्निग्ध जो भोजन होता है, वो बासी या बहुत काल से रखा हुआ है तो भी खाने योग्य होता है। इसलिए घी और दूध से बने हुए पदार्थ खराब नहीं होते, ये बहुत समय के बाद भी खाने योग्य है। आगे बताया, देव और अतिथि को बिना समर्पित किए किया हुआ भोजन, खीर, मालपुआ तथा पूड़ी का भोजन व्यर्थ हो जाता है। माने जब भी हमारे घर में तेल में कुछ तला हुआ भोजन बने, तब अगर संभव हो, वैसे भोग तो सबके घर लगता ही है, वैष्णव तो भोग लगाए बिना खाते नहीं है, लेकिन अगर भोग लगाने के लिए घर में देवता भी ना हो तो कम से कम अतिथि को तो बुलाकर खिलाना ही चाहिए। अगर नहीं खिलाते तो भोजन व्यर्थ माना जाता है। अब सुनो, पलांडू और लहसुन आदि उग्र पदार्थों का सेवन करने पर व्यक्ति को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। पलांडू माने प्याज और लहसुन अगर गलती से भी खा लिया है तो उनके लिए कहा गया है कि वो चांद्रायण व्रत करे, तो वह जो प्याज और लहसुन खाया है उसकी शुद्धि होती है। और हमारे गुरुजन तो ये कहते हैं कि अगर लहसुन हमने खाया है और लहसुन आज खाया और आज के 21वें दिन के अंदर अंदर हमारी मृत्यु हो जाती है, तो वो कितना भी बड़ा भक्त हो, जापक हो, उपासक हो, उसकी सदगति नहीं होती। ये कहा गया, लहसुन को पचने में 21 दिन का समय लगता है, ये गुरुजनों के वचन हैं, तो इसके लिए ये खाने से मना किया। लेकिन हाँ, जिसके शरीर में वात आदि है, औषधीय प्रयोग में अगर वो थोड़ा उपयोग करते हैं कुछ काल के लिए, तो मना ही नहीं। गर्मियों में अगर प्याज का उपयोग करते हैं, कच्चे प्याज का, तो लू आदि के थपेड़ों से बच जाते हैं। लेकिन अगर नहीं खाते तो उत्तम है, लेकिन फिर भी अब शरीर में गर्मी चढ़ गई है, लू लग गई, क्या करे, प्याज नहीं खा सकते। नहीं खाए तो प्याज के टुकड़े करके मोजों में भर के पहन ले पाँव में, जुराब में, तो वो प्याज का रस संपूर्ण लू खींच लेता है। तो औषधीय प्रयोग अगर आप करते हो कुछ काल के लिए, तो उसके लिए मना ही नहीं है। लेकिन जो अधिक वैष्णव है और पालन आदि नहीं कर, अच्छे से नियमों का पालन करना चाहते हैं, वो अगर नहीं खाए तो उत्तम है। उसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो शरीर को ठंडक प्रदान करती है, उसका उपयोग करें। आगे बताया कि जो पुरुष पशु हत्या करता है, माने बकरे मारता है, मुर्गे मारता है, गाय को मारता है, ऊंट को मारता है, ऐसे जो पुरुष पशु हत्या करता है, वो पशु के रोम परिमित काल तक घोर यातनाओं को सहन करते हुए नरक में निवास करता है। माने एक बकरा अगर मारा है तो उसके शरीर में जितने रोम, जितने बाल होते, उतने साल वो नरक में निवास करेगा और घोर यातनाओं को सहेगा। तो जिसने हजारों बकरे मारे हो, जिसने हजारों लाखों मुर्गों की हत्या की हो कत्लखानों में, उनकी क्या दशा होगी? तो बोले जिसने गलती से भी अपने जीवन में किसी पशु को रांध कर खाया है, किसी जीव के अंडों को रांध कर खाया है, ऐसे लोगों को चांद्रायण व्रत, तप्त कृच्छ आदि व्रत करके अपने शरीर की शुद्धि और साथ साथ में अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। नहीं तो मृत्यु के बाद
इसका बहुत दुखद फल भोगना पड़ता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। अब आगे आता है, श्राद्ध के अवसर तथा श्राद्ध का अधिकारी कौन है, उस बारे में यहां बात आई है। अब इसमें बताया है जो रोगी होते हैं, महारोग से युक्त होते हैं, ऐसे रोगी को वो श्राद्ध योग्य नहीं माना, वो श्राद्ध नहीं कर सकता। अंगहीन है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कटा हुआ है, वो श्राद्ध के योग्य नहीं है। जो अधिक अंगी होते हैं, किसी का एक हाथ अधिक निकला होता है, किसी के एक उंगली ज्यादा हाथ की पांव की निकली होती है, ऐसे अधिक अंग वाले को भी श्राद्ध करने का अधिकारी नहीं माना गया। जो काणा है, एक आंख से नहीं देखता, उसको भी श्राद्ध करने का अधिकार नहीं। जो पुनर्भव है, उनको भी श्राद्ध करने का अधिकारी नहीं। पुनर्भव माने क्या? पुनर्भव माने पहला पति मर गया, अब फिर विवाह किया और उससे जो उत्पन्न संतान है वो पुनर्भव संतान कही जाती है। ऐसा पुत्र भी श्राद्ध के योग्य नहीं है। अवकिरणी माने जिसने संपूर्ण जीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया है, ऐसा व्यक्ति अगर उसका ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो ऐसा अवकिरणी भी श्राद्ध करने योग्य नहीं है। फिर बचा आचार भ्रष्ट तथा अवैष्णव है, वो भी श्राद्ध के योग्य नहीं है। आचार भ्रष्ट माने जिसका व्यवहार बिल्कुल शून्य है, ऐसा व्यक्ति भी श्राद्ध करने योग्य नहीं है। और अवैष्णव को तो श्राद्ध करने का अधिकार ही नहीं। तो ध्यान देना चाहिए। विनायक शांति स्नान आता है, भगवान गणेश के लिए उनकी, जब भगवान विनायक जब हम पर रुष्ट होते हैं तब हमारे जीवन से कार्य सिद्धि की रेखाएं खत्म हो जाती है। जिस काम में भी हाथ डालते उस काम में असफलता मिलती है। तो वो लोग ध्यान से सुने, जो जिस काम में भी हाथ डालते उसमें वो हमेशा असफल रहते हैं। ऐसों पर समझना चाहिए कि भगवान विनायक की अप्रसन्नता से यह विपत्ति आई है और हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसे विनायक से ग्रस्त व्यक्ति स्वप्नावस्था में बहुत अधिक स्नान करता है। अब उसके लक्षण बताएं, ध्यान से सुनिए। स्वप्न अवस्था में वो पानी में तैरता हुआ दिखता है या बहुत स्नान करता है, ऐसे स्वप्न आते हैं। स्वप्न में मरे हुए प्राणियों के सिरों का दर्शन उसे होता रहता है। वह उद्विग्न मन रहता है, हमेशा अशांत रहता है, उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहते हैं, बिना कारण उसे पीड़ा होती रहती है। विनायक की अप्रसन्नता से युक्त होने पर राजा राज्य से वंचित हो जाता है, कुमारी पति से वंचित रह जाती है तथा गर्भिणी स्त्री पुत्र लाभ से वंचित रह जाती है। इसलिए विनायक की शांति के लिए किसी पवित्र दिन और शुभ मुहूर्त में उसे विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। और वो स्नान की विधि यहाँ दी गई है, लंबी विधि है। किसी को विनायक शांति की, ये शांति स्नान की विधि चाहिए तो वो हमसे संपर्क करे, और संभव हुआ तो कभी नर्मदा किनारे, गंगा किनारे, यमुना किनारे या फिर मुंबई में सागर तट पर कभी अगर कथा का आयोजन होता है तो उस समय यह विनायक की शांति स्नान का आयोजन करेंगे, तो एक साथ सामूहिक स्नान सबका हो जाए। तो जिन जिन को भी इस प्रकार के कोई कष्ट आते हैं
उनको ये विनायक शांति स्नान कर लेना चाहिए। तो उसकी विधि भी यहाँ दी हुई है, वो हम आगे बताएंगे। अब सुनिए, ये जो तप्त कृच्छ व्रत और ये जो कृच्छ व्रत आदि जो है उसे कैसे करना चाहिए, उस विषय की आज मैं जानकारी देता हूं और फिर आगे कथा में आज हम तिथि के बारे में जानेंगे। ये बताऊं उससे पहले आइए 2-5 मिनट हम संकीर्तन कर ले और फिर आगे बढ़ते हैं। काबिल नहीं हूँ,
नारायण भज मन नारायण हरि ओम 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 हरि गरुड़ महापुराण की जय। अब चांद्रायण व्रत के बारे में सुनते हैं कि ये चांद्रायण व्रत कैसे किया जाता है और तप्त कृच्छ आदि व्रत कैसे किए जाते हैं। देखो, इसमें बताया कि ब्रह्महंता मध्यपि ब्राह्मण के सुवर्ण का चोर गुरु पत्नी गामी तथा इनका संसर्ग करने वाले मनुष्य अपने पाप के कारण अविचि तथा कुंभीपाक नामक भयानक नरक में भोग करते हैं। गुरु और वेद की निंदा करना ब्रह्म हत्या के समान है। निषिद्ध पदार्थों का भक्षण करना माने मांस आदि खाना, पलांडू और लहसुन आदि खाना, तो निषिद्ध है जो पदार्थ, उसका भक्षण करने से भी दोष लगता है, पाप लगता है। कुटिलता पूर्वक आचरण और रजस्वला स्त्री का अधरपान और मदिरा पान नामक महापातक के सदृश माना जाता है, इसलिए रजस्वला स्त्री से वो 4 दिन तो दूर रहना चाहिए। कई लोग केवल 2 दिन मानते हैं, कई 3 दिन मानते हैं, कहीं तीसरे दिन बाल धो लेते हैं, कहीं दूसरे दिन बाल धो लेते हैं, लेकिन यथा विधि अगर आप ध्यान दो, नियम शास्त्र का ये कहता है कि जिस समय रजोदर्शन हो उस दिन से, अगर दिन में होता है तो वो प्रथम दिन माना जाए, अगर मध्य रात्रि से पहले रजोदर्शन हो जाता है तो उसे भी पहला दिन माना जाए, लेकिन रात्रि के अगर तीसरे प्रहर में रजोदर्शन होता है, मतलब 12 बजे के बाद अगर रजोदर्शन होता है तो उसे पहला दिन, दूसरे दिन का पहला दिन मानना चाहिए, माने जो सूर्योदय होने वाला है वो दिन पहला माने, जो बीत गया उस दिन को न गिने और उस दिन से गणना करे और 4 दिन तक, चौथे दिन ही सर्वांग स्नान
करके वो शुद्ध होती है, पवित्र होती है। और लगभग छठे और सातवें दिन वो देव पूजा के योग्य मानी जाती है। तो इनका तो नियम पूर्वक पालन करना ही चाहिए। आजकल कुछ फिल्में ऐसी बन गई जिसको दिखा दिखा कर लोगों में ये बात फैलाई जा रही है कि इसका कोई दोष नहीं लगता, ये नहीं है, वो भ्रमणा थी, वो उनको चार दिन आराम करने के लिए वो अलग रखते थे। लेकिन आराम तो भैया हमारे घर की स्त्रियां जब चाहे तब कर सकती है, कोई बंधन थोड़ी है, कोई घर की कैदी थोड़ी है जो उसको रात दिन गधे की नहीं वो ढोने के लिए, काम करने के लिए घर में लाए हैं, ऐसा नहीं है। जितना पुरुष का सम्मान है उतना हमारे घरों में स्त्रियों का भी सम्मान आज से नहीं सदियों से होता आया है। तो वो जब चाहे तब आराम कर सकती, लेकिन वो चार दिन इतने दूषित होते हैं कि उसका प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता है। आप कभी स्वयं प्रयोग भी कर लेना, जैसे हम तो वैष्णव तो इस नियम का पालन करते ही है, लेकिन जिनके घरों में ये पालन नहीं होता और रजस्वला स्त्री ही भोजन बनाकर जब अन्न रजस्वला स्त्री के द्वारा बनाया हुआ अन्न खाया जाता है तो उस घर के सभी व्यक्तियों का क्रोध अन्य की अपेक्षा चार गुना अधिक बढ़ जाता है। क्रोध बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, घर में कलह का माहौल हमेशा रहता है, मन मुटाव रहता है। अगर झगड़े बाहर न भी आए तब भी अंदर अंदर मन मुटाव बना रहता है। तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम कहे गए और हमारे जो ऋषि मुनि महान वैज्ञानिक थे उन्होंने तो इसके अनगिनत प्रमाण दिए हुए। और प्रत्यक्ष हाथ कंगन को आरसी क्या, जो हाथ में दिख ही रहा है उसके लिए आईने की क्या जरूरत है। तो आप कभी भी प्रयोग कर लेना, ऐसी रजस्वला स्त्री अगर साल भर में जो आचार बनाया जाता है, साल भर जो जिसको हम खाते हैं उस आचार पर दृष्टि पड़ जाए, उसकी छाया पड़ जाए, आचार जल्दी खराब हो जाता है। मैंने तो कितनी बार प्रयोग करके देखा है। हम औषधि का सेवन करते हैं, औषधि का प्रयोग करते हैं, कुछ औषधियां हम ताजी लेकर आते हैं और रजस्वला स्त्री की अगर छाया उस पर पड़ती है तो एक ही समय में लाई हुई औषधियां, एक पर रजस्वला स्त्री उसके दो भाग कर लो और दूसरे भाग को सुरक्षित रख लो और आप देखोगे कि जिस पर छाया पड़ी है वो औषधि बहुत जल्दी खराब हो जाती है और जिस पर छाया नहीं पड़ी है वो लंबे समय तक टिकती है। यहाँ तक कि पूर्व काल में किसान तो गांव में किसान तो आज भी ध्यान में रखते हैं कि जब खड़ी फसल होती है तो उस समय रजस्वला स्त्री खेत में नहीं जाती, क्योंकि वो अगर वहां से पसार भी होती है तो जहां जहां तक उसकी छाया पड़ती है वो उतनी उतनी फसल तुरंत खराब हो जाती। तो ये प्रयोग तो आंखों देखे है और ये विधि और इस प्रकार का दुष्परिणाम तो किसान आए दिन देखते हैं। तो पूर्व काल में ये सब ध्यान रखा जाता था, आजकल नहीं रखा जाता है। तो इसलिए गरुड़ पुराण, आज हम कथा गरुड़ पुराण की कह रहे हैं तो कम से कम जो आज की कथा सुन रहे हैं उनको तो ये नियम धारण कर लेना चाहिए और चार दिन का पालन सभी को करना चाहिए। इन चार दिनों में देव दर्शन नहीं होता, संत दर्शन नहीं होता, और अगर हो भी जाता है तो उसका पाप माना जाता है और उस पाप की निवृत्ति के लिए ये जो अभी गणेश चौथ गई जिस पर हम गणेश जी को स्थापना करते हैं, उसके बाद की आती है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी का व्रत इसलिए किया जाता है कि वो चार दिन में रजस्वला, जब रजस्वला होती है देविया, उस समय जो संत दर्शन हो गया, देव दर्शन हो गया, गलती से कहीं नियम में उल्लंघन हो गया तो उसका जो दोष लगा है उसके निवारण करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ ऋषियों ने साधन बनाया है, उसका उपयोग हमको करना चाहिए। तो रजस्वला स्त्री का अधरपान करना दोष बताया गया। माता पिता की बहन, मामी, विमाता, आचार्य पुत्री, आचार्य पत्नी तथा पुत्री के साथ रमण करने वाला व्यक्ति भी गुरु पत्नी गामी के समान ही महापातकी होता है। ये तो हिंदुओं में कम दिखाई देता है लेकिन विधर्मियों में, पंचर पुत्रों में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए ये सब अधार्मिक पैशाचिक वृत्ति से जीवन यापन करने वाले लोग हैं और जितना जल्दी ये लोग देश छोड़ के चले जाए उतना ही इस देश का भला है। और जितने दिन ये गंदगी इस देश में रहेगी, इस देश में न कभी बलात्कार थमेंगे, न इस देश में कभी लव जिहाद थमेगा, न इस देश में कभी शांति आएगी।
आज जापान में शांति है क्योंकि वहां पर ये विधर्मी नहीं रहते, वहां ये पंचर पुत्र नहीं रहते, इनको वहां घुसने ही नहीं दिया जाता, इसलिए जापान में आज तक कोई दंगे नहीं हुए, धार्मिक उन्माद नहीं फैला, धार्मिक कट्टरता नहीं फैली और वो देश आज सुखी है। तो भारत में भी अगर सुखी और समृद्धि लाना चाहते हैं तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा, और ये हिंदू राष्ट्र तब घोषित होगा जब यहाँ के अधिकांश हिंदू गुण और कर्म से हिंदू बनकर दिखाए। जन्म से तो हिंदू है लेकिन गुण और कर्म से हिंदू नहीं है, जिसके कारण आज भी हमारे ही अपने हिंदू सेक्युलर बनकर और जिहाद का शिकार होते जा रहे। तो बहुत मैं सार गर्भित बात बता रहा हूं इस देश में शांति की स्थापना के लिए, तो ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ जो ये जो गरुड़ पुराण में ये जो लिखा गया है ना, ये सब विधर्मी करने वाले लोग हैं, ये विधर्मियों के द्वारा ये कृत्य होते हुए आज हम देख सकते हैं। अब उनके लिए तो ये बताया गया, उनके मौलवियों ने वहां भरमा के रखा है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, हुरे मिलेगी और वहाँ गिलीमा मिलेगी, शराब की नदियाँ बहेगी। यहाँ धरती पर शराब पियो तो हराम है, लेकिन वहां जाके शराब खूब पियेंगे, तो क्या वहां नहीं है हराम? जो चीज यहाँ हराम है तो वहां भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वहां फुल अय्याशिया होगी, लेकिन यहाँ केवल जिहाद करो। जिहाद में क्या, जो गैर पंचर पुत्र है उनको मार डालो, उनकी बहन बेटियों को उठा कर ले जाओ, उनको फंसाओ, उनसे ढेर सारे सुवरों की नहीं, कुत्ते बिल्लियों की नहीं, बच्चे पैदा करो और उसे तड़पा तड़पा कर मार दो। ये पैशाचिक वृत्तियां कहाँ से आई है? तो वो जहाँ से आई उसका उद्गम स्थान वो अरब है, और वो हवाई हवा हवाई किताब है, जिसके चक्कर में आज ये जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ आतंक आतंक और आतंक ही फैलाते हैं। तो भारत में भी यही स्थिति है, और ये आतंक की स्थिति, ये डर डर के जीने की जो स्थिति है, ये अगर इसको हम अगर हम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए केवल और केवल एकमात्र उपाय है कि ये देश बिन सांप्रदायिक न रहकर ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, क्योंकि यहाँ हिंदू बाहुल क्षेत्र है, हिंदू यहाँ बहुत अधिक मात्रा में। तो ऐसे महापापी मनुष्य के लिए यहाँ नरक की स्थापना तो है ही, लेकिन नरक के साथ साथ यहाँ ये बताया, नरक में जब उसको मिलेगा तब मिलेगा दंड, लेकिन ऐसे पापी को राजा के द्वारा तुरंत दंड देना चाहिए, मृत्यु दंड देना चाहिए यहाँ लिखा है। तो ये सब होना चाहिए। अब मैं आपको कृच्छ सांतपन व्रत क्या होता है उस बारे में बताता हूँ। ये व्रत को आप समझ लो, और कभी हमारे द्वारा ऐसा कोई कुकृत्य हो जाता है तो इन सब व्रत को करके, दो दो तीन तीन दिन चार चार दिन के व्रत है, केवल एक व्रत जो चांदारण व्रत है ये महाकठिन है, बाकी व्रत दो तीन दिन चार दिन छः दिन के व्रत है। ये सब हम अगर प्रायश्चित करना चाहते हैं तो अवश्य करना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, गौ दूध, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर, ये पांचों को कहते पंचगव्य। इस पंचगव्य का कुशोदक के साथ पान करके व्रती दूसरे दिन उपवास करें। ये पंचगव्य को बनाकर उसको जैसे आज पी लिया, अन्न नहीं खाया, केवल पंचगव्य पान किया, कुशोदक माने जो दर्भ होता है वो दर्भ उसमें घुमाया, उसमें रखा और फिर उस पंचगव्य का पान किया, दूसरे दिन उपवास रखे, कुछ न खाए, इस तरह दो रात्रि का अगर हमने व्रत किया है, एक दिन पंचगव्य पीना, दूसरे दिन निराहार रहना, फिर पंचगव्य पीना, दूसरे दिन निराहार रहना, ऐसा ये चार दिन का व्रत हुआ, ये अगर करते हैं इसको कृच्छ सांतपन व्रत कहते हैं।
अब आगे महासांतपन व्रत कैसे किया जाता है उस बारे में बताया। इसमें लिखा है कि पहले दिन गाय का दूध पिए, निराहार, कुछ नहीं, आहार नहीं, केवल गाय का दूध पिए। दूसरे दिन केवल गाय का दही पिए। तीसरे दिन केवल गाय का घी पिए। चौथे दिन केवल गाय का गौमूत्र पिए और पांचवें दिन गाय के गोबर का रस पिए और छठे दिन कुशोदक मात्र, माने कुश जल में मिलाकर वो जल पिए, और सातवें दिन कुछ भी न खाकर शुद्ध उपवास करे। ऐसे सात दिन जो व्रत किया जाता है वही महासांतपन नामक व्रत कहा गया है। आगे पर्णकृच्छ व्रत कहते हैं। पर्णकृच्छ व्रत में पलाश, जिसको केसुड़ा कहते हैं, जो खाखरा भी कहते हैं और ढाक भी कहते हैं, वो पलाश के पत्ते, गुलर के पत्ते, कमल के पत्ते, बिल्व पत्र, इनमें से एक एक को एक एक दिन जल में पकाकर उसी जल को क्रमशः एक एक दिन पीकर चार दिन रहे और पांचवें दिन कुशोदक मात्र पीकर, कुशोदक माने वही कुश जल में मिलाकर पिया पीना, वो कुशोदक पीकर जिस व्रत का पालन किया जाता है उसको पर्णकृच्छ व्रत कहते हैं। माने चार पत्ते, पलाश, गुगल, कमल और बिलीपत्र, एक एक दिन इनको पानी में उबालकर वो पानी पीना है, इसको पर्णकृच्छ व्रत कहते हैं। ये व्रत पांच दिन का होता है। फिर बताया तप्त कृच्छ व्रत में, तप्त कृच्छ व्रत, इसमें व्रती को पहले दिन गर्म दूध पीना है, दूसरे दिन गर्म घी पीना है, तीसरे दिन गर्म पानी पीना है, चौथे दिन उपवास करना है। यह पवित्र शुद्ध करने वाला महातप्त कृच्छ व्रत होता है। फिर आगे बताया एक भक्त व्रत। एक भक्त व्रत उसे कहते हैं कि 24 घंटे में केवल दोपहर के समय एक बार भोजन करना, उसे एक भक्त व्रत कहते हैं। आगे एक नक्त व्रत होता है, माने 24 घंटे में एक बार केवल रात्रि में भोजन करे, उसको एक नक्त व्रत कहते हैं। फिर तीसरे दिन अयाचित, माने बिना मांगे जो अन्न प्राप्त हो उस अन्न का भोजन करना। चौथे दिन पूर्ण उपवास करने पर यह पाद कृच्छ व्रत होता है। इसी पाद कृच्छ व्रत को तीन बार करने से प्राजापत्य कृच्छ व्रत हो जाता है। प्राजापत्य व्रत के अनुसार भोजन और उपवास का नियम किया जाए, परंतु भोजन के रूप में उतना ही अन्न ग्रहण किया जाए जितना एक हाथ में आता हो। इस तरह चार दिन का उपवास करने से अति कृच्छ व्रत हो जाता है। 21 दिन तक पानी या दूध मात्र लेकर अति कृच्छ व्रत का पालन करने से कृच्छाति कृच्छ व्रत होता है और 12 दिन पूर्ण उपवास करने पर एक पराक व्रत हो जाता है। तो 12 दिन तक कुछ न खाए, कुछ न पिए, इसे पराक व्रत कहते हैं। अब सौम्य कृच्छ व्रत किसे कहते हैं इस बारे में बताया जाता है। इसमें कहते हैं कि पहले दिन जिनसे तेल निकाल लिया गया है ऐसे तिल, दूसरे दिन मांड, तीसरे दिन मट्ठा छाछ, चौथे दिन पानी, पांचवें दिन सत्तू का आहार करके छठे दिन उपवास करना, ये सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इस सौम्य कृच्छ व्रत में बताए गए पदार्थों का एक एक दिन के स्थान पर तीन तीन दिन तक, क्रमशः 15 दिन तक चलने वाला तुला पुरुष संज्ञक कृच्छ व्रत होता है। माने चार दिन तिल, चार दिन मांड, चार दिन मट्ठा, चार दिन जल और पांचवें दिन सत्तू का आहार और छठे दिन फिर उपवास, ऐसे चार चार दिन करना है, तो ये 15 दिन का व्रत होता है। इसे तुला पुरुष संज्ञक कृच्छ व्रत कहते हैं। कठिन व्रत है। अब चांद्रायण व्रत के बारे में बताया गया। मैं फिर से समझा दूं, दो प्रकार से चांद्रायण व्रत होता है। इसमें यह बताया गया कि शुक्ल पक्ष तिथि में, शुक्ल पक्ष तिथि वृद्धि के क्रम से मयूर के अंडे के समान, मोर का अंडा जो होता है उसके समान, एक एक भोजन का ग्रास खाते जाना है। जैसे वृद्धि क्रम, अमावस्या आई
अमावस्या से अमावस्या तक एक महीना, वृद्धि क्रम अमावस्या, फिर प्रतिपदा एक ग्रास, मोर के अंडे के जितना एक ग्रास, फिर दूसरे दिन दो अंडे जितना बड़ा ग्रास, फिर तीसरे दिन तीन ग्रास, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते फिर पूर्णिमा तक, फिर पूर्णिमा तिथि से घटाते घटाते चतुर्दशी तिथि को एक ग्रास भोजन करे, अमावस्या को उपवास करे, ये चांद्रायण व्रत हो गया। और दूसरे प्रकार का चांद्रायण व्रत जिसमें पूरे महीने में केवल 240 ग्राम ग्रास मात्र हविषान्य भोजन करना होता है, 240 ग्रास खाने हैं उस एक महीने में, तो वो भी ऐसे ही ये वो जो पहले बताया वो अमावस्या से शुरू करते हैं और ये जो है ये पूर्णिमा से शुरू करते हैं। तो इस प्रकार और ये जो पूर्णिमा से जो शुरू करते हैं उसमें सुबह दोपहर शाम तीनों संध्याओं में स्नान करना आवश्यक है और पवित्र संज्ञक विशेष मंत्रों का जप करके गायत्री मंत्र से जो ग्रास खाने वाले हैं उससे अभिमंत्रित कर फिर उसको खाना होता है। तो ऐसे 240 ग्रास पूर्ण करने पर एक महीने में यह चांद्रायण व्रत हो जाता है। अब इसमें यह बताया कि जिन पापों का प्रायश्चित किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है उन सभी पापों का प्रायश्चित यह चांद्रायण व्रत करने से हो जाता है। ये महाकठिन व्रत है, सुनने में जितना आसान लगता है उतना करने में नहीं है, क्योंकि इस समय ये चांद्रायण व्रत करने पर देवी देवता भी परीक्षा लेते हैं, इंद्र भी परीक्षा लेने आता है। आम दिनों में भले आपको दिन भर कुछ नहीं मिले, आप पानी पीकर भी रह सकते हो, लेकिन व्रत जिस समय होगा उस दिन तो विशेष रूप से भूख सताएगी। जब करते करते भी आपको अलग अलग मिष्ठान याद आएंगे, पकवान याद आएंगे, बार बार प्यास लगेगी और इसमें पानी भी नहीं पीना है। पानी भी केवल एक घूंट मुंह में भरा, एक घूंट उतार लिया, उसके बाद अगर बचता है तो पानी गले से नीचे नहीं उतारना, उसको बाहर निकाल देना। बड़ा कठिन व्रत है, लेकिन यह चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान बहुत पुण्यदायी कहा गया है, ये करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे मृत्यु के पश्चात होने वाले मरणाशौच का वर्णन याज्ञवल्क्य जी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दो वर्ष से कम आयु वाले बालक की अगर मृत्यु होती है तो ऐसे बालक को भूमिगत भूमि में गड्ढा करके उसमें गाड़ देना चाहिए, उसके लिए जलांजलि नहीं देनी चाहिए। ऐसे शव को गंध माने चंदन, माला और अनुलेपन आदि से अलंकृत करके स्मशान से अन्यत्र कहीं हड्डियों के समूह से रहित जो जगह हो उस गांव में या नगर के बाहर की भूमि में गड्ढा करके खोद कर गाड़ देना चाहिए। दो वर्ष से अधिक आयु की बालक की मृत्यु होने पर उसे भी सभी बंधुगण मिलकर स्मशान भूमि में ले जाकर लौकिक अग्नि से यम सूक्त का पाठ करते हुए चिता में जला देना चाहिए। और यज्ञोपवित होने के अनंतर अगर मृत्यु होती है तो सभी क्रिया है जैसे अन्य शवों की होती है वैसे उसकी करनी चाहिए। मरण तिथि के सातवें दिन अथवा दसवें दिन के पहले अपने कुल और गोत्र में आने वाले परिजन अपनह शोचु शोषु चदघम मंत्र से दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर यथा संभव घर से बाहर जलाशय पर जाकर जलांजलि दे। आगे बताया शराबी और आत्महत्या करने वाले अशौच और उदक क्रिया के पात्र नहीं होते। बहुत बड़ी बात यहाँ गरुड़ महापुराण कह रहा है, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि जिसने शराब पी, जो शराबी है और जिसने मद्यपान किया है, मद्यपान किया है और जिसने आत्महत्या की है, ऐसों के लिए सूतक नहीं होता।
और ये उदक क्रिया के पात्र नहीं होते, माने मरने के बाद इनकी दश क्रिया विधि भी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। जैसे आवारा पशु मर जाते हैं तो वो कसाई खींच कर ले जाते, ऐसे ही उसको कंधा देने वाला व्यक्ति भी नरकगामी होता है। तो जिसने आत्महत्या की है उसको तो कंधा देने वाले की लक्ष्मी चली जाती है, पद्म पुराण कहता है। तो पद्म पुराण भी यही बात कह रहा है और यहां भी यही बात कह रहे हैं कि आत्महत्या करने वाले का तो अशोच सूतक भी नहीं मानना चाहिए और वो उदक क्रिया के पात्र ही नहीं है, तो पशु हो गए। जैसे पशु को खींच कर ले जाया जाता है ऐसे ही उसको भी घसीट के ले जाया जाए, यही उसके लिए सही बताया जाए। पाखंडी और पतित जनों की मृत्यु होने पर उनकी उदक क्रिया नहीं होती। ब्रह्मचारी व्रात्य तथा स्वेच्छाचारिणी स्त्री के लिए भी उदक क्रिया का निषेध है। व्यक्ति के निधन होने पर रोना निषिद्ध है। अब यहां बड़े असमंजसता की बात होगी क्योंकि गुजरात में और राजस्थान के कई क्षेत्रों में हमने देखा है, और ये झाबुआ, एमपी का झाबुआ, राणापुर आदि जो क्षेत्र है आदिवासी इलाका, वहां तो देखा जाता है कि कोई मर जाता है तो घर के परिजनों को अगर रोना आए ना आए लेकिन रुदालियों को बुलाया जाता है, उनका केवल रोने का काम होता है, केवल आके रोते और बस रोते हैं, और फिर बाद में वो पूरा होने के बाद जो कुछ भी उस परिवार से जो कुछ भी यथा विधि जो बात होती है धन आदि मिलता है वो लेके चले जाते हैं। तो गरुड़ पुराण ये कहता है कि अगर व्यक्ति का निधन हो जाए, मर जाए, तो रोना निषिद्ध है क्योंकि जीवों की स्थिति अनित्य होती है। यथाशक्ति स्मशान भूमि में दाहादिक क्रिया करके स्वजनों को घर आ जाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मरता है और मृत्यु के पश्चात अगर उसके स्वजन उसको घेर के, उसके शरीर को घेर के चारों तरफ, और अगर जोर जोर से रोते हैं, कड़वे आंसू निकालते हैं, दुख के आंसू निकालते हैं, तो वो कड़वे आंसुओं का पान उस मृतक व्यक्ति को यमदूत जबरदस्ती कराते हैं और वो कड़वे आंसू पीकर वो मर गया व्यक्ति जो अब प्रेत बन गया, मरने के बाद शरीर निकल गया, सूक्ष्म शरीर निकला है, उसको भी कारण शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति उन आंसुओं को पीकर दुखी होता है और दुखी होकर अपने परिजनों को चिल्लाता हुआ कहता है कि ये बंद करो रोना, बंद करो, ये मुझे पीना पड़ रहा है और मुझे उससे अधिक कष्ट हो रहा है, मैं पहले दुखी हूं, मर गया हूं, और अब तुम रोकर मुझे और दुखी मत करो। लेकिन अब उसकी बात सुनता कौन है, सुनाई किसे देती है बात, वो तो चिल्लाता है और घर के सब लोग रोते, और अगर घर के लोग नहीं रोए तो दूसरे लोग बात बनाते हैं कि देखो बाप मर गया, पत्नी मर गई, लेकिन फिर भी ये रोते नहीं है, इसको तो प्रेम ही नहीं था। लेकिन वास्तव में शास्त्र ये कहता है कि रोना नहीं चाहिए। कब रोए? बोले रोना केवल एक ही समय में, वो भी एक दो मिनट के लिए, कि जब वो शव चिताग्नि पर रखा जाता है और बेटा या भाई या कोई व्यक्ति स्वजन मुखाग्नि देने वाला होता है और घट कंधे पर लेकर जब वो परिक्रमा लगाता है और घट पीछे की ओर फोड़ता है, तो उस समय दो चार आंसू बहा लेने चाहिए, क्योंकि जैसे पति और पत्नी का इस लोक में, अब वैसे तो होता नहीं है लेकिन आजकल संविधान और ये उसमें तलाक का वो बना दिया प्रावधान, तो जैसे तलाक हो जाता है पति और पत्नी में, ऐसे ही ये जो घट फूटता है वो होता है संसार से संबंध विच्छेद, कि अब तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं रहा,
अब तुम आगे की गति में जाओ, अच्छे लोगों को प्राप्त करो। पीछे मुड़कर हमारे प्रति जो मोह ममता होगी, जमीन दुकान मकान खेत बाड़ी के प्रति जो ममता मोह ममत्व होगा, अब वो सब खत्म करो। तो वहां दो आंसू बहाने के लिए कहा गया। उसके बाद मुखाग्नि वगैरह देकर फिर जब घर में आए तब पहले क्या करे, बोले तुरंत घर में प्रवेश न करे, घर के बाहर खड़े रहे, नीम की पत्तियां चबाए, उसके बाद आचमन करे, कुल्ला करे, फिर आचमन करे, अग्नि जल गोबर और सफेद सरसों का स्पर्श करके एक पत्थर दरवाजे के बाहर बीच में रखे और उस पर पैर रखकर धीरे से घर में प्रवेश करे। प्रेत का स्पर्श करने पर भी मनुष्य को घर में प्रविष्ट होने के पूर्व ये जो कर्म है, नीम की पत्ती आदि चबाना और अग्नि जल गोबर और श्वेत सरसों का स्पर्श करके घर में प्रवेश करना चाहिए। आगे बताया, सपिंड में आने वाले जो लोग पुण्य प्राप्त करने मात्र की दृष्टि से प्रेत का अनुगमन करते हैं, वे यदि तत्काल अपनी शुद्धि चाहते हैं तो दाह क्रिया संपन्न कराने के बाद उन्हें स्नान और प्राणायाम कर लेना चाहिए। सपिंड माने जो हमारे संबंधी है, जो हमारे गोत्र में उत्पन्न है ऐसे लोग, कि भाई किसी कोई मर गया है तो चलो उसके अग्नि संस्कार में हम सम्मिलित हो, उसे कंधा दे, उसे मुखाग्नि देकर आ जाए, उससे पुण्य मिलेगा, या उस प्रेत को जलाने के लिए जो खर्च होता है उसमें थोड़ा बहुत धन अपना भी डालते हैं, स्मशान में लकड़ी की व्यवस्था कर देते हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा की व्यवस्था कर देते हैं, आए हुए अतिथि जो बाहर से उस व्यक्ति के लिए आए हैं तो उनके लिए पानी जल की व्यवस्था करते हैं, अन्न की व्यवस्था करते हैं। तो जो पुण्य प्राप्ति की इच्छा को रखते हुए जो उस प्रेत का अनुगमन करते हैं, उसके साथ चलते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी तो सूतक लगेगा, शौच अशौच लगेगा। तो बोले उससे अगर शुद्धि करनी है तो वो क्रिया करने के बाद वो स्नान कर ले और सचेल माने वस्त्रों सहित स्नान करे और प्राणायाम कर ले तो उसकी तत्काल शुद्धि हो जाती। उस दिन खरीदे हुए पदार्थों का भोजन करके सभी परिजनों को अलग अलग भूमि पर सोना चाहिए। माने घर में किसी की मृत्यु हो जाए, मुखाग्नि वगैरह देकर आ जाए, तो उस दिन से लेकर 10 दिन तक घर में भोजन न पकाए, अन्न न पकाए, खरीदा हुआ भोजन माने बिना मांगा हुआ अन्न कहीं से आ जाए तो करना चाहिए। या अगर नहीं आ जाता, वैसे तो कहीं मृत्यु होती है गांव में तो होता है, शहरों का पता नहीं, लेकिन गांव में होता है किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो उसके घर पे भोजन बना बना कर पहुँचा देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि घर में अन्न बनेगा नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, पहुँचा देते हैं। और जो नहीं आ पाता अन्न तो फिर खरीदे अन्न, कहीं से भोजन मंगवा ले, खरीद ले, लेकिन पकाए नहीं, ये बताया गया। और भूमि पर शयन करे, पलंग पे गद्दों पर न सोए। पिंड यज्ञ के पश्चात मृत व्यक्ति के उद्देश्य से विहित पिंडदान की प्रक्रिया के अनुसार अपसव्य आदि के रूप में 3 दिन तक पिंड रूप अन्न पृथ्वी पर मौन धारण करते हुए देना चाहिए, ऐसा बताया गया। अब आगे और भी बहुत सी बातें यहां बताई गई हैं। वैसे तो कल बहुत सारी बातें आएगी और कल गरुड़ महापुराण की कथा है और इसमें गरुड़ जी यह पुराण लिख रहे हैं, तो इसमें कल हम तिथियों का, कौन सी तिथि में कौन सा व्रत करने से क्या लाभ होता है, और वर्ष पर्यंत के जितने भी व्रत हैं, वर्ष पर्यंत आने वाली जितनी भी तिथियां हैं, उन तिथियों में कौन सा व्रत करने से क्या लाभ होता है, कल विशेष रूप से उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो पूरा अध्याय वही आएगा। और कल साथ साथ में भगवान
राम के जन्म की कथा आएगी, भगवान कृष्ण के जन्म की कथा आएगी। वैसे तो चौथे दिन पर ही हम यह कृष्ण जन्म आदि मनाते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि इस बार आपको अधिक से अधिक यह गरुड़ पुराण के जो अनछुए पहलू है, वैसे तो संपूर्ण गरुड़ पुराण ही अनछुआ है क्योंकि कोई कथा कहता नहीं है, कथा कहते भी है तो आचार कांड पूरा छोड़ देते हैं, प्रेत कल्प कहते हैं और आखिरी का ब्रह्मकांड थोड़ा सा पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते अपनी मर्जी। लेकिन यहाँ आचार कांड, धर्म कांड और ब्रह्म कांड, ये तीनों कांड विस्तार से यहाँ बताए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज के दिन भी कृष्ण कथा, कृष्ण जन्म की कथा नहीं कही। कल हम सारी तिथियों के बारे में जानेंगे, नीतिसार निरूपण है उसके बारे में भी कल हम जानेंगे कि कैसे कैसे नीति बताई गई है, जीवन को जीने की नीतियाँ सूत्र यहाँ बताए गए हैं। उसमें से एक आध दो सूत्र मैं अभी कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, बहुत लाभकारी यह सूत्र है। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम नित्यता त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजे ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजे वृक्षं क्षणफलं त्यजन्ति विहगाः शुष्कं सरहसासरा सरहसारसा निद्रव्यं पुरुषं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टं नृपं मन्त्रिणः पुष्पं पर्युषितं त्यजन्ति मधुपः दग्धं वनान्तं मृगः सर्वः कार्यवशात् जनो हि रमते कस्यास्ति को वल्लभः। इसमें बताया कि मनुष्य को दुर्जनों की संगति का परित्याग करके साधु जनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता का स्मरण रखना चाहिए। जो स्त्री सर्प के कंठ में रहने वाले विष के समान है, जो सर्प के फणों के सदृश भयंकर है, जो रौद्र रस की साक्षात मूर्ति है, जो शरीर से कृष्ण वर्ण की है, जो रक्त के सदृश लाल लाल नेत्रों के द्वारा दूसरे के हृदय को भयभीत कर देने वाली है, जो सिंह के समान भयानक है, जो क्रोध वदना एवं प्रचंड अग्नि की ज्वाला की भांति धधकने वाली और कौवे के समान जिह्वा लोलुप है, अपने पति से प्रेम न रखने वाली है और भ्रमित चित्त वाली है, दूसरों के घर नगर में जाने वाली है, उस स्त्री वह स्त्री कदापि सेव्य नहीं है। आगे बताया, आपातकाल में मित्र, युद्ध में वीर, एकांत स्थान में शुचिता, विभव के क्षीण होने पर पत्नी तथा दुर्भिक्ष समय अतिथि प्रियता की पहचान होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मतलब धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल पर किए चारी। इसमें कहा गया कि आपातकाल में मित्र समझ में आते हैं, सुख का समय होता है तो मित्र बहुत साथ देते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, दुख का समय होता है तो मित्र फोन उठाना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे को मित्र नहीं कहते, ऐसे को स्वार्थी कहते हैं। फिर बताया कि वीर की पहचान कब होती है, बड़े बड़े शब्दों में किसी को गाली दे देना, किसी के सामने
उच्छृंखल होकर उत्तर देना, असभ्य होकर बात करना, चिल्लाकर बात करने से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ये वीर है। बोले वीर किससे सिद्ध होता है? बोले युद्ध में वीर की पहचान होती है। अगर वो युद्ध में बिना डरे, बिना भयभीत हुए और हाथ में शस्त्र लेकर एक व्याघ्र की नाई अगर वो शत्रु दल पर टूट पड़ता है तो वो वीर है। एकांत स्थान में शुचिता का पता चलता है और विभव के क्षण होने पर पत्नी, वैभव क्षण समाप्त हो गया। अब जब वैभव था पुरुष के हाथ में, कार्य सिद्धि थी, धन था और खूब धन आता था, उसमें पति के साथ बहुत अच्छे से सुख सुविधा से रही, लेकिन अब दिन बदल गए, दिन खराब आ गए, अब धन नहीं आ रहा है। पति बेचारा प्रयत्न कर रहा है लेकिन धन नहीं ला पा रहा है। धन के अभाव में सुविधाएं चली गई, संपत्ति चली गई। धन नहीं रहा तो अन्न नहीं रहा, धन नहीं रहा तो अब जो कुछ भी घर में है वो सामान बेचकर अब घर में धन आने लगा। अब पति के कान खा रही है, कैसे हो, मैंने तो भाग फूट गए तुम्हारे साथ शादी की, तुमसे अच्छा तो रिश्ता आ रहा था, और मेरी कहाँ मती मारी गई थी जहाँ मैंने तुम्हारा वो किया, मैं उसके साथ जाती तो आज राज करती, ये करती, वो करती। आहत करने वाले शब्द कहने वाली पत्नी। तो जब दरिद्रता आती है तब पत्नी साथ देती है कि नहीं? अगर साथ देती है तो वो भार्या पत्नी, वास्तव में वो पत्नी है। और दुर्भिक्ष के समय में अतिथि प्रियता की पहचान होती है। घर में खुद कोई खाने का नहीं और कोई मेहमान आ जाए और घर में एक ही रोटी बनी है, अब घर में रोटी हम खाए कि वो मेहमान को दे, उस समय नाक मुंह न सिकोड़ कर और वो बनी हुई रोटी हम भगवान को प्रदान करें। बनी हुई रोटी हम आए हुए अतिथि रूपी भगवान, हम तो अतिथि को भगवान के रूप में मानते हैं, उस भगवान को हम वो दे तो बहुत। उसका बताया गया कि अतिथि प्रेता की पहचान तभी होती है। फल पक्षी फल रहित वृक्षों का परित्याग कर देते हैं। सारस पक्षी सूखे हुए सरोवर छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। वैश्य धन से रहित होने पर पुरुष को छोड़ देती है। मंत्री भ्रष्ट राजा का त्याग कर देते हैं। भवरे बासी पुष्प को त्याग कर नव विकसित पुष्प पर चले जाते हैं और मृग जले हुए वन का परित्याग करके अन्यत्र आश्रय लेते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वार्थ वश ही सभी प्राणी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो बोले वास्तव में कौन किसका प्रिय है? बोले इस जगत में अगर कोई किसी का प्रिय है तो केवल भक्त भगवान के प्रिय है, और भक्त भगवान के प्रिय है और भगवान भक्त के प्रिय है, गुरु शिष्य के प्रिय है, शिष्य गुरु के प्रिय है, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बाकी तो सारे के सारे स्वार्थवश प्रेम करते हैं। सगे संबंधी स्वार्थ के, स्वार्थ का संसार, निस्वार्थ सदगुरु एक है, सच्चे वही हितकार। सगे संबंधी स्वार्थ के, स्वार्थ का संसार, निस्वार्थ सदगुरु एक है, सच्चे वही हित का। तो इस संसार में सदगुरु निश्चल भाव से गुरु अपने शिष्य को प्रेम करते हैं। गुरु ने, मैं सदगुरु की बात कर रहा हूँ, जो वास्तव में भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। हाँ, बाकी भेषधारी गुरु एक दो नहीं,
हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आपको प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन भेषधारी नहीं, लेकिन भगवत प्राप्त महापुरुष, वो तो भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं। और जिन्हें वो संत प्राप्त हो गए, उनसे फिर भगवान दूर नहीं रहते। इसलिए कहा गया, जब लंका में विभीषण जी को हनुमान जी मिले, तो विभीषण जी ने यही कहा, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते, और बिना संत की, बिना गुरु की कृपा के हरि नहीं मिलते। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए गुरु और गोविंद जब खड़े हो, तो सबसे पहले हम गुरु के चरणों में प्रणाम करेंगे, क्योंकि कृपा तो हरि की हुई कि गुरु मिले, लेकिन गुरु ने अगर मार्ग न दिखाया होता, गुरु ने उंगली पकड़कर चलाया न होता, और गुरु जी ने हमारे भीतर अंतःकरण की शुद्धि न की होती, तो फिर भगवान कैसे प्रकट होते। इसलिए गुरु को प्रणाम। और फिर भगवान तो सर्वस्वाध्यायी, गुरु के रूप में भी तो हम उन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ही कहा है, आचार्यम में विजानियात, कि हे अर्जुन, आचार्य मेरा ही रूप है। तो ऐसे आचार्य सदगुरु को भी प्रणाम, और सदगुरु तक पहुंचाने वाले हमारे भगवान ठाकुर जी को भी प्रणाम। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो आज की कथा हम यहीं विराम ले, कल फिर 5:30 बजे भगवत चर्चा के लिए गरुड़ महापुराण की कथा, जिसमें कल हम कृष्ण जन्म भी बड़े धामधूम से मनाएंगे, राम जन्म भी मनाएंगे, और जो तिथियों के बारे में बताया गया है, कौन सी तिथि पर जप करना, जैसे मंगलवारी चतुर्थी बहुत महिमा है, बुधवारी अष्टमी बहुत महिमा है, द्वादशी बहुत महिमा है, शिवरात्रि की बहुत महिमा है, जन्माष्टमी कैसे मनाना, शिवरात्रि कैसे मनाना, कैसे पूजन करना वो दिया गया है, दुर्वाष्टमी कैसे मनाना वो दिया गया है, भीष्म पंचक व्रत अब आगे आएगा वो कैसे करना है उस बारे में बताया, और इस बार तो अधिक मास आरंभ हो जाएगा, तो अधिक मास, इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया, और इस पुरुषोत्तम मास में तो जितना अधिक भगवान श्री हरि की भक्ति, भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण, ये बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। इन दिनों में किया हुआ अनुष्ठान अनेक प्रकार के पापों को मिटाकर पुण्यों को प्रदान करने वाला है। तो इस बार कल ही हमारी चर्चा हुई थी, और जब पता चला कि ये पुरुषोत्तम मास, अब ये अमावस्या के बाद पुरुषोत्तम महीना ही प्रारंभ हो रहा है, तब ठाकुर जी की कृपा से ही मन में प्रेरणा हुई कि इस बार कम से कम 11 दिन का अनुष्ठान करेंगे, और वो भी मौन व्रत रख के करेंगे। और भगवान ने चाहा तो मौन व्रत करके नित्य कम से कम भगवान नाम की 10,000 हम पुनरावृत्ति करें, और जप करते हुए यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हुए, और अगर हो सके तो सपत्निक करें, तो और भी लाभ होगा। तो मौन व्रत का बहुत लाभ है, और मौन के साथ साथ मैं हो सकेगा तो प्रतिपदा के दिन, 17 तारीख की अमावस्या है और 18 तारीख की प्रतिपदा है, तो प्रतिपदा के दिन पुनः लाइव आकर जो भी 11 दिन का ऐसा अनुष्ठान करना चाहते हैं, उनको मैं संपूर्ण विधि बताऊंगा, और वो उस विधि के अनुसार जप करे मौन रहकर। तो आप देखना, ये 11 दिन के बाद जो आपकी शक्तियाँ जो छुपी है, जो आपके भीतर अशांति है, अतृप्ति है, जो आपके भीतर कहीं ना कहीं मन में खालीपन जो रहता है, उसको भरने का काम ये 11 दिन करेंगे। और जिसके अंदर कोई खालीपन नहीं है, भरा हुआ है, जो वैष्णव है, भगवत भक्ति से ओतप्रोत है, भगवान नाम जप में, गुरु मंत्र में जिसकी आस्था है, श्रद्धा है, दृढ़ भक्ति है, ऐसे लोग अगर ये अनुष्ठान करते हैं, तो उनकी भगवत भक्ति में, उनके वैराग्य में,
उनकी साधना में, उनकी श्रद्धा में, उनके भगवान के प्रति प्रेम में बहुत बढ़ोतरी होगी। तो ऐसा साधन मैं आपको बताऊंगा। और जो कोई सकाम भाव से भी करना चाहता है, जैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए, बेटे की बेटी की शादी के लिए, विदेश जाने के लिए, बच्चों के लिए, कोई बीमारी से अपने आप की रक्षा के लिए, अगर इस संकल्प को लेकर भी आप वो 11 दिन अनुष्ठान करते हैं, तो वो भी आपको महान फल देने वाले सिद्ध होंगे। तो वो 11 दिन के अनुष्ठान के लिए अगर कोई तैयार रहता है, या कोई घर में अकेले है और वो 21 दिन का अनुष्ठान करना चाहे मौन रहकर, तो वो भी मैं सारी विधि बताने को तैयार हूँ। आप विधिवत अनुष्ठान करें और भरपूर लाभ प्राप्त करें। आइए 2-5 मिनट भगवान का भजन करें और आज के इस सत्र को विराम दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम।
रे मन मन मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना। रे मन मस्त सदा, अलमस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना। मन मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना। रे मन मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना। रे मन मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना। रे मन तुम आन पड़े सो सहना। कड़वा मीठा सबका सुनना, कड़वा मुख अमृत बरसाना, मुख अमृत बरसाना। यह तो नब सम बादल है, रंग खिला कर रहना। ये तो नब सम बादल है, रंग खिला कर रहना। रे मन मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना। रे मन मस्त सदा आन पड़े सो सहना, आन पड़े सो सहना, आन पड़े सो सहना। सब कोई दिन कंबल, कोई दिन अंबर, कभू दिगंबर सोना। कोई दिन अंबर, कोई दिन कंबल, कभू दिगंबर सोना। आत्म नशे में देह भूला कर, आत्म नशे में देह भूला कर, साक्षी हो कर रहना। आत्म नशे में देह भूला कर, साक्षी हो कर रहना। रे मन मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना। रे मन मस्त सदा सहाना, कोई दिन भूख सहाना। कोई दिन गाड़ी, कोई दिन बाड़ी, कोई दिन गाड़ी, कोई दिन बाड़ी, कभू मसान जगाना। रे मन मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना।
गुड़ खाने को मिले और कभी भूखा रहना पड़े। और कोई तो कभी यजमान बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आए महंगी महंगी, कभी बहुत अच्छे महलों में सोने को मिले, और कभी भगवान ने चाहा तो स्मशान में रहना पड़े। लेकिन हर परिस्थिति में साधु है, सन्यासी है, महात्मा है, वो मस्ती में रहते हैं। इसलिए पंजाब में पंजाबी महात्माओं ने गाया, वाह हरी मौज फकीरानी, वाह हरी मौज फकीरानी, वाह हरी मौज फकीरानी, कब चबावे चना चबीना, कब लपटा ले खीरानी, कब चबावे चना चबीना, कबिल पटावे खीरानी, वाह बाहरी मौज फकीरानी, वाह बाहरी मौज फकीरानी। वही बात यहाँ रंगदूत महाराज कह रहे हैं, कोई दिन खाट पलंग सजाना, कोई दिन धूल बिछौना, कोई दिन खाट पलंग सजाना, कोई दिन धूल बिछौना, कोई दिन शाह बने शाह होके, कोई दिन शाह बने शाह होके, कबू फकीरा दीना रे मन मस्त सदा तुम रहना, आंधरे सो खेना रे मन मस्त सदा तुम रहना, आंधरे सो रे मन मस्त सदा तुम रहना, अन परे सो सहना, अन परे सो सहना, राधे 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 दुलारी राधे 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 दुलारी राधे 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 राधे, खूब हंसो अब खूब हंसो, रोते हो इस विध क्यों प्यारे, अब खूब हंसो अब खूब हंसो, रोते हो इस विध क्यों प्यारे, रोते हो इस विध क्यों प्यारे, रोते हो इस विध क्यों प्यारे, रोते के साथ हंसे दुनिया, रोते के साथ हंसे दुनिया, हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है, रोते को कौन बुलाता है, अब खूब हंसो अब खूब हंसो, अब खूब हंसो अब खूब हंसो, रोते हो इस विध क्यों प्यारे, रोते हो इस विध
जो होना है तो होना है, जो होना है सो होना है, सब सुप्रभु के हाथों में, सारे सूत्र प्रभु के हाथों में, सूत्र प्रभु के हाथों में, फिर चिंता काहे करो प्यारे, फिर काहे चिंता करो प्यारे, अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, रोते हो इस विध क्यों प्यारे, रोते हो इस विध क्यों प्यारे, धन माल खजाना ढेर लगा, कंगाल हुआ गर खाली, गर कंगाल हुआ, जगमान अपमान किया तुमका, जगमान अपमान किया तुमका, बस खुश रहो हर दम प्यारे, बस खुश रहो हर अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, रोते हो इस विध क्यों प्यारे, रोते हो इस विध क्यों प्यारे, हंसते के साथ हंसे दुनिया, हंसते के साथ हंसे, रोते को कौन बुलाता है, 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 अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, खूब हंसो, प्रभु को जग में, जग को प्रभु में, 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 एक तार निहार फिरो मनवा, तार निहार फिरो मनवा, दिन रात दिन सूरज रात शशि तारे, दिन सूरज रात शशि प्यारे, बस रंग बिरंग वही प्यारे, बस रंग बिरंग अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, रोते हो इस विध क्यों प्यारे, रोते हो इस विध क्यों प्यारे, हंसते के साथ हंसे दुनिया, हंसते रोते को कौन बुलाता है, 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 अब खूब
हसो सब खूब हसो सब खूब हसो अब खूब हसो अब खूब हसो अब खूब हसो अब खूब हसो अपने को ही जान न पाया औरों को पहचान न पाया अपने को ही जान न पाया औरों को पहचान न पाया इधर उधर की करते करते जीवन खोया है 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 और इधर उधर की करते हुए जीवन ना खोना हो तो क्या करेंगे जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय मेरे राम जय जय प्यारे राम राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 शाम से मिला दे राधे 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 जय राधे 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 राम 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 राम
पते